Hello students. Hello everybody. Today we are doing lecture 9 and this is the third part of refraction on a spherical surface. हमने 7 और 8 लेक्चर में बेसिक चीजें पढ़ी हैं और जो लेक्चर नंबर 8 में हमने पढ़ा है उसको अब थोड़ा बड़े सारे क्वेश्चंस में कैसे वहां से मतलब जो लेक्चर 8 में पढ़ा उन कॉन्सेप्ट्स को और कैसे आगे हम यूटिलाइज करते हैं वेरियस क्वेश्चंस में, तो मैं उससे रिलेटेड आज ये लेक्चर ले रहा हूँ. और बड़े सारे आपको भाई ऐसा होगा तो ऐसा करते हैं, ऐसा केस में ऐसे करते हैं, तो आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन दिस लेक्चर. सो आई होप दिस विल मेक यू इफिशियंट टू सॉल्व मेनी क्वेश्चंस. सो आप हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना आपकी जिम्मेवारी है, और अगर कहीं दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को एक दो बार देखिए, रिवाइंड करके देखिए, यू विल बी अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरीथिंग. सो लेट मी टेक यू इन लेक्चर एंड सर्व यू वेरियस न्यू कॉन्सेप्ट्स फॉर यू. So we are doing refraction at a spherical surface, and as we have done in lecture 7, lecture 8, and this is lecture 9 we are doing for you, right? And this lecture 9 is, it is related to jo hum logon ne pichle lecture mein lens maker formula, lens formula padha hua hai, usse related ab kuch aur information hum log leke chalenge. So numerical solving के लिए बड़े सारे और कॉन्सेप्ट चाहिए होते तो वो सब कुछ आपको बताया जाएगा यहाँ. तो लेट्स सी, आई मीन द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाट वी नो इज, राइट, सबसे पहले हम जो रिजल्ट पढ़ा है हमने लेंस मेकर फॉर्मूला में, इसमें लेंस फॉर्मूला पढ़ा है, तो पहले हम मैग्निफिकेशन की बात करते हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट मैग्निफिकेशन. वी आर सेइंग मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, मैग्निफिकेशन की बात करते हैं. तो मैग्निफिकेशन की बात करें तो जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में देखा है कि मैंने मैग्निफिकेशन को आपको दो पार्ट में डिवाइड किया है. वन इज लीनियर मैग्निफिकेशन, अनदर इज एरियल मैग्निफिकेशन और सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन. एरियल मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन एंड यू नो दिस इज साइज ऑफ इमेज, एरिया ऑफ इमेज, एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट. Area of image upon area of object. And if you talk about this side, so this is called linear magnification. Linear magnification. And this can be further divided as lateral magnification and longitudinal magnification. Lateral magnification and longitudinal magnification. Longitudinal. जब हम लैटरल मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, सो यू नो साइज ऑफ इमेज, दिस इज एम, दैट इज साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. एंड लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है तो उसको हम लोग एम डैश या एम एल से रिप्रेजेंट करते हैं. एम एल दिस इज इक्वल टू लाइक डेल्टा वी अपॉन डेल्टा यू. मतलब ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको अच्छे से समझाया है कि क्या मतलब है इस डेल्टा वी डेल्टा यू का, ठीक है. दिस इज डेल्टा वी, दिस और समबडी कैन आल्सो राइट लाइक दिस, एम एल इज इक्वल टू, आप ऐसे भी देख सकते हैं डेल वी अपॉन डेल यू, ऐसे भी लिखा हुआ होगा, ठीक है जी. तो पहले हम इससे रिलेटेड बात कर लेते हैं और फिर हम इसकी बात करेंगे, दोनों को अलग अलग तरीके से बात करेंगे. सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन. Yes. So what we are doing is, let's talk about this lateral magnification की बात करें. Lateral magnification. So when we talk about lateral magnification, so we are saying this M is equal to I upon O. Correct? अब देखिए ये जो I upon O का result आपको पढ़ाया गया. And if you remember this ray diagram, जो हमारा रे डायग्राम था, तो मैं जल्दी से आपके सामने एक हल्का सा रे डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ. ये हमने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया, ये हमने इसका प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया ऐसे, और यहाँ पे एक इमेज बनेगा कुछ इस तरीके से, ए डैश बी डैश समथिंग लाइक दिस. सो
इफ यू टॉक अबाउट साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करिए, साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें, और मैंने जब ये पिछली क्लास में, ये पिछले लेक्चर में जब ये ड्राइव किया था आपको रिजल्ट, तो हमने सिमेट्री ऑफ लाइक बी ए सी ट्रेंगल, यानी कि बी ए अपॉन ए सी, ठीक है, बी ए अपॉन ए सी, और इधर से देखा हमने तो ये लिया बी डैश ए डैश अपॉन ए डैश सी, एंड दिस इम्प्लाइज बी डैश ए डैश अपॉन बी ए इज इक्वल टू ए डैश सी अपॉन ए सी. एंड इस रिजल्ट पे नाउ बी डैश ए डैश इज वॉट, सो अगर ऐसे कंसिडर किया जाए, सो इफ यू दिस माइनस आई प्लस ओ, और ए डैश सी को क्या लिखेंगे आप, दैट इज प्लस वी, एंड ए सी को क्या लिखेंगे माइनस यू, सो वॉट यू गॉट फ्रॉम यर नाउ एम आई अपॉन वो होता है, सो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ इस बात को ऐसे लिख लेते हैं, आई अपॉन ओ इज इक्वल टू माइनस आई अपॉन इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, तो दिस इम्प्लाइज आई अपॉन ओ इज इक्वल टू वॉट वी बाई यू, ये एक बात समझ में आ गई होगी आपको, सो दिस इज इक्वल टू वी बाई यू, मिरर में याद होगा ना यहाँ पे माइनस हुआ करता था. और दूसरी बात कि आपको लेंस फॉर्मूला पता है, यहां से दूसरे कलर में दिखा रहा हूँ इस जगह पे, सिंस वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ होता है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किस से, लेट सपोज वी से मल्टीप्लाई करते हैं, ये यू है बेटा, सो दिस इज वन एंड दिस इज वी बाई यू एंड दैट इज इक्वल टू वी बाई एफ, सो फ्रॉम हियर दिस इम्प्लाइज वन माइनस वी बाई एफ इज इक्वल टू वी बाई यू, देयरफॉर एफ माइनस वी बाई एफ इज इक्वल टू वी बाई. तो आपके पास एक ईयर भी रिजल्ट आ गया, ठीक है जी, यू सी इफ यू एफ माइनस बी बाई एफ, ये रिजल्ट बिल्कुल सेम आया, और इसके अलावा आप एक दूसरा रिजल्ट भी निकाल सकते हैं यू वाले टर्म में, वो अगर आप लोगे तो एक और दूसरे कलर से लिख लो, लाइक वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ कर दो, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो यू से, सो दिस इज यू बाई वी माइनस वन इज इक्वल टू यू बाई एफ, एंड दिस इम्प्लाइज यू बाई वी इज इक्वल टू u plus f upon f and therefore v by u is equal to how much, f upon f plus u, f plus do by, ye aapke paas result aa gaya, so finally this is equal to how much, to aap kahoge I upon o is equal to v by u can also be written as f minus v by f and this can also be written as f upon f plus u, देख रहे हैं ना कितना डिफरेंस है, वहां f माइनस a f अपॉन f माइनस u हुआ करता था, सो लीनियर मैग्निफिकेशन अगर आप लेंस की बात करेंगे तो आपके पास इतने सारे फॉर्मूले आ गए, ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, तो दिस वी हैव अंडरस्टूड राइट. अब मैं आपको इस लेटरल मैग्निफिकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, सो दिस यू हैव अंडरस्टूड राइट. अब मैं सपोज कर लो मैं आपसे ये कहूँ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा हो, कुछ इस तरीके का ऑब्जेक्ट हो, यहाँ पे जो हमने ये लिया हुआ है इसके जगह पे कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट हो, इस तरीके का ऑब्जेक्ट हो, समथिंग लाइक दिस, तो ये क्या हो गया, आई मीन इस तरीके का ऑब्जेक्ट हो, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस का लाइक दिस, मतलब उसकी जो हाइट है वो है ही नहीं, तो अगर ऐसा ऑब्जेक्ट बने कि इस ऑब्जेक्ट को उठा करके आपने क्या कर दिया, लिनियरली एक्सिस के अलोंग डाल दिया, तो ये जो होगा डेल्टा यू होगा, यानी कि साइज ऑफ इमेज में क्या होगा, डेल्टा यू लिया जाएगा. आपको समझ में आ रही बात मेरी, क्या कर, मैं एक काम करता हूँ इसको यहाँ से हटाता हूँ, अगले पेज पे आपको एक चीज दिखाता हूँ, आप इसको ऐसे समझें, लेट सपोज वी हैव टेकन दिस लेंस, ये हमने लेंस ले रखा है, फिर हमने इसका प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया, और फिर इसके ऊपर ये प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया, और फिर इसके ऊपर हम कोई, लेट सपोज कुछ इस तरीके का, हमने कहा कि हेलो एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रख दिया, दिस इज ऑब्जेक्ट वी हैव प्लेस्ड इस लेंस के सामने, तो भाई उस केस में ये डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ अगर आप काउंट करोगे तो आप कहोगे ओके दिस इज यू वन एंड दिस इज यू टू समथिंग लाइक दिस, तो आप क्या कहोगे ओके दिस इज यू वन दिस इज यू टू, ये कितना आएगा फिर डेल्टा यू आ गया, फिर उसी तरीके से उसका एक इमेज बनेगा,
फिर सपोज इस वाले पॉइंट का कहीं इमेज होगा, इस वाले पॉइंट का कहीं इमेज होगा, तो भाई पोजिशन आएगा ना वी वन और वी टू, तो इधर भी क्या मिलेगा, डेल्टा वी आएगा। सो दिस डेल्टा वी और डेल्टा यू का जो रेशियो होगा वो क्या बनेगा हमारा, दैट इज वॉट वी आर ट्राइंग टू से। अगर आप डेल्टा वी अपॉन डेल्टा यू की बात कर रहे हैं तो ये आपका एम लॉन्गिट्यूडनल जो होगा वो होगा डेल्टा वी बाई डेल्टा यू। कैसे निकालेंगे हम इसको, तो हम कहेंगे सिंस वन बाई वी माइनस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ होता है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं किसके रिस्पेक्ट में, यू के रिस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, मैंने बोथ साइड्स साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू यू। अब ये सब चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, लाइक ये तो ठीक है, ये तो बहुत बेसिक बात है, बट अब ये जो लेटरल मैग्निफिकेशन मैंने बताया ये सब नहीं है आपकी बुक में, बट आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, लेकिन आस्क यू लाइक दिस। तो अब यहाँ पे क्या हो गया जी, तो दिस हैज कम नाउ दे, आई मीन इसको डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं, तो आप लिखेंगे डी बाई डी यू ऑफ वन बाई वी, फिर माइनस डी बाई डी यू ऑफ वन बाई यू, एंड दैट इज इक्वल टू डी बाई डी यू ऑफ वन बाई एफ, और एफ तो इसका भाई इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे सराउंडिंग से क्या है वो, और आर ओन आर टू पे डिपेंड करता है, तो वो यू पे डिपेंड तो करता नहीं है, सो दिस विल बिकम जीरो, एंड ये क्या हो गया माइनस, और इसका डिफरेंशियल आ गया माइनस वन बाई यू स्क्वायर। और इसको चेन रूल से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो पहले आप लिखिए माइनस वन बाई वी स्क्वायर, और फिर आप लिखिए डी वी बाई डी यू, ऐसे लिख दिए। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इस प्लस को फिर उधर लेके जाओ, तो आपके पास क्या रहा है डी वी बाई डी यू, और दिस इज माइनस वन बाई वी स्क्वायर, और लुक एट दिस, माइनस माइनस प्लस इधर जाके ये क्या हो गया माइनस वन बाई यू स्क्वायर, ये माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, सो फ्रॉम हियर यू आर गेटिंग दिस डी वी बाई डी यू इज इक्वल टू हाउ मच v square upon u square. This is what you are going. So this result is equal to v square upon u square. What is this v? जब आप अगर एम एल इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा यू करोगे तो v square by u square आया। अब यहाँ पे आप सोचो कि इस ऑब्जेक्ट का, मतलब एक बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करने में ना उसको दिक्कत होगी ये पढ़ लेने के बावजूद भी, जैसे ये ऑब्जेक्ट मैंने ऐसे रखा है बताओ इसका क्या लिखे। तो यू सी अगर मैं इस v अपॉन u की बात करूं, अभी यहाँ पे देखा हमने ना कि ये मैग्निफिकेशन क्या होता है v बाई u होता है, ये कौन सा मैग्निफिकेशन, लेटरल मैग्निफिकेशन है, तो ये लेटरल मैग्निफिकेशन का स्क्वायर है, एम का स्क्वायर है। क्या मतलब है कि अगर एक ऑब्जेक्ट इस साइज का है, इस साइज का एक ऑब्जेक्ट है, इसका मैग्निफिकेशन इस लेंस ने ये किया, अब मैं इस ऑब्जेक्ट को उठा करके, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको उठा के और मैं ऐसे कर दूं, चलो गलत कर रहा हूं, ऐसे कर ऐसे लेके आऊं, कुछ इतने साइज का था तो इस साइज पे ऐसे ले जाके कर दूं, तो अब क्या हुआ, जो ऐसे होने पर उसका मैग्निफिकेशन था, ऐसे होने पर वो क्या हो गया एम स्क्वायर हो गया। That's what the point is. बस ऐसे पकड़ना है इस बात को। तो भाई जो इस पोजिशन पे अगर हम इसको ऐसे रखते तो उसका मैग्निफिकेशन क्या आता, उसका मैग्निफिकेशन क्या आ रहा था, उसका मैग्निफिकेशन m is equal to v by u से निकाल लिया। जब ऐसे कर देंगे यानी कि इसी साइज को ऐसे ले जाके रखा जाएगा, यानी कि इस पॉइंट से, ये जो हमारा इनिशियल पॉइंट है वहां से ऐसे हमने फ्लिप कर दिया, मैंने करके दिखा दिया आपको बेटा, ठीक है, अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर ये ऐसे ऐसे पड़ा होता इस तरीके से तो क्या होता, तो बस ये वाली चीज आपको मालूम है, बस उसका स्क्वायर कर दीजिए, ये आंसर आ जाएगा। दैट इज व्हाट द पॉइंट इज, ये इसका कहने का मतलब है यहाँ। सो दिस वी हैव डन इट नाउ, और एरियल मैग्निफिकेशन, एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि एक मिनट इसको थोड़ा अरेंज कर दें, हाँ जी, सो दिस मैग्निफिकेशन पोर्शन इज डन राइट। अब मैं आपको एक दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ लेके चल रहा हूँ, जरा देखो, लेंस मेकअप फॉर्मूला जब हम कर रहे थे तो हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट किया था यहाँ पे, राइट। कभी कभी ना टेस्ट कर देते हैं आपके दिमाग का, सपोज कर लो ये
आपके लिए लेंस है और इस लेंस को एक साइड दूसरा मीडियम है समथिंग लाइक दिस, और ये कहा कि इधर म्यू वन है, यहाँ पे म्यू टू है और यहाँ म्यू थ्री है, क्या करेंगे आप? ठीक है, दिस इज अनदर पॉइंट हियर। तो ये सब हम लोगों जो रिफ्लेक्शन एंड स्फेरिकल सरफेस में जो हमने पढ़ा है, इसी को जो पिछले लेक्चर में पढ़ा है उस लेक्चर को और बिल्डअप कर रहे हैं। ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको मदद करेंगे, राइट? सो हियर वी आर ट्राइंग टू टॉक आउट, अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो क्या करेंगे। तो मैंने जो आपको शॉर्टर वर्जन सिखाया है ना, लेंस मेकअप फॉर्मूला जो हम लोगों ने डिराइव किया था जैसे शॉर्टर फॉर्म में, अब हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे, विल राइट लाइक दिस। सपोज करो यहाँ से उधर कहीं ऑब्जेक्ट होता, इस मीडियम में कहीं पे ऑब्जेक्ट है, इसका यहाँ कहीं पे ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस u है, समथिंग लाइक दिस। पहले रिफ्रैक्शन से फर्स्ट रिफ्रैक्शन की बात करते हैं आप। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो आप क्या इक्वेशन लिखेंगे भाई, म्यू वन से म्यू टू में लाइट जा रही है, सो विल बी राइटिंग म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई आर वन एंड दैट इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन वी, वी डैश लिख लेते हैं क्योंकि इससे जो इमेज बनेगा वी डैश लिख लिया, एंड दिस माइनस म्यू वन बाई यू, ये हमारा पहला रिफ्रैक्शन हो गया, समथिंग लाइक दिस। और दूसरे रिफ्रैक्शन की बात करेंगे, इफ वी टॉक अबाउट द सेकेंड रिफ्रैक्शन, और सेकेंड रिफ्रैक्शन अगर बात करें तो सेकेंड रिफ्रैक्शन की बात करें तब क्या लिख लेंगे हम यहाँ पे, से दैट अब लाइट कहाँ जा रही है, म्यू टू से म्यू टू म्यू थ्री में जा रही, सो म्यू थ्री माइनस म्यू टू अपॉन आर टू एंड दैट इज इक्वल टू वॉट, म्यू थ्री अपॉन, ठीक है ना, म्यू थ्री माइनस म्यू टू अपॉन दिस, सो म्यू थ्री अपॉन वी रखेंगे एंड माइनस म्यू टू अपॉन वी डैश करेंगे, राइट? इस मीडियम के लिए जो जैसे पहले रिफ्लेक्शन से ये क्या मिला था हमें, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनता था, तो भाई वो इस मीडियम के हिसाब से है, सो इट इज लाइक दिस, विल राइट लाइक दिस, ये इक्वेशन वन बनेगा, ये इक्वेशन टू बनेगा। अब क्या करेंगे आप, अगर आप इन दोनों को सम करते हो तो ये कैंसिल हो जाएगा, दिस विल कैंसिल, फिर ये क्या बनेगा, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन और फिर म्यू थ्री माइनस म्यू टू अपॉन आर टू एंड दैट इज इक्वल टू वॉट, दैट इज इक्वल टू म्यू थ्री बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू, ये बेसिक इक्वेशन बन जाएगा भाई। यहाँ ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ इमेज बनेगा। अब अगर आपसे फोकल लेंथ किसी ने पूछ लिया तो आपने यू मालूम है आपको, यू मालूम हो गया आपको भाई, इतना यू था और वी आप यहाँ से निकाल लेंगे भाई, पहले तो इस बेसिक को यूज करेंगे, यू विल यूज दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, अब ये हमारे लिए इक्वेशन बन गया इस केस में, फिर आर वन का साइन आर टू का साइन रख करके, ठीक है, ये हमारे लिए बेसिक इक्वेशन है, फिर साइन कन्वेंशन लगा करके यू दे रखा है तो वी हम निकालेंगे, और फिर यू मालूम है वी मालूम है तो हम कहेंगे किसी भी लेंस के लिए वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ रखेंगे, और फिर वहां से वी यू को रख करके उसका फोकल लेंथ निकाल लेंगे और कह देंगे कि ये लेंस लाइक म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री वाली जो सिचुएशन है उसमें इस लेंस का फोकल लेंथ इतना होगा। तो ये मैंने आपको बात करके समझा दी, तो दिस इज हाउ वी डील विथ लाइक दिस, अगर डिफरेंट मीडियम है मतलब ये और ये मीडियम डिफरेंट है, तो डिफरेंट मीडियम होगा तो इसको हम लोग ऐसे हैंडल करते हैं। तो इसके चांसेस बड़े रेयर होते हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन मिले, बट चूंकि ये डिस्कशन हो रहा है तो यहाँ पे ये बात बतानी भी जरूरी है, ठीक है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट? आप बहुत सारी किताबों में बिल्कुल ये डिस्कस नहीं मिलेगा, बट ध्यान रखना चाहिए कि अगर ऐसा होगा तो हम ऐसा करके निकल सकते हैं। अब हम और आगे की तरफ चले, अब नाउ दिस पॉइंट्स वी हैव अंडरस्टूड, अब आगे जो पॉइंट हमें देखना है, एक मिनट बच्चों, तो बच्चों अब जो बताया जा रहा है आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अब जो कुछ तुम पढ़ने जा रहे हो वो सब कुछ आपके सिलेबस के अंदर है और उससे क्वेश्चंस काफी भर भर के पूछे जाएंगे, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल दैट व्हाट इज बीइंग टॉट नाउ, उसका ध्यान रखना है। सो सबसे पहले हम लोग वी शुड टॉक अबाउट दिस प्रिंसिपल फोकस, या प्रिंसिपल फोकस की बात करें,
इसके लिए हम लोगों ने पिछले लेक्चर में रिफ्रैक्टिंग सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए पढ़ा था, वहाँ हमने देखा एफ वन और एफ टू जो है वो एफ वन अपॉन एफ टू का रेशियो म्यू वन अपॉन म्यू टू आ रहा था, बट यहाँ पे क्या होगा लाइक अगर डबल रिफ्रैक्ट. व्हाट वी हैव डन इज ये हमारे लिए कॉनकेव लेंस है, हमें दोनों पे रे डायग्राम बनाना. तो पहले इसकी बात करते हैं. प्रिंसिपल फोकस का मतलब क्या होता है? इट इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इट्स इमेज इज ऑब्टेंड एट इनफिनिटी. तो दैट इज फर्स्ट फोकस. फर्स्ट फोकस, तो पहले फर्स्ट फोकस के डेफिनेशन की बात करते हैं. फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस बहुत अच्छे से ये आपको आना चाहिए. सो इट इज द पॉइंट, it is a point on, it is a point on principal axis, on principal axis, it is a point on principal axis, in point on principal axis where if object is placed, where if object is placed its image is obtained, its image is obtained at infinity. It is the point on principal axis where if object is placed, its image is obtained at infinity. That is the first principal focus. So, how we are dealing here? You see, यहाँ पे एक object रखते हैं हम लोग. Point object रख लिया. And इस point object से लाइट रे चली भाई कुछ इस तरीके से. दिस लाइट रे, ठीक है जी, ये लाइट, इस लाइट रे चली और फिर एक दूसरा लाइट रे आप ले सकते हैं समथिंग लाइक दिस. और ये उम्मीद करें कि ये लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल बी गोइंग लाइक दिस. तो ये जो सिचुएशन है यानी कि द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस Where if object is placed, its image is got obtained at infinity. यही लिखा हुआ है. तो इसके हिसाब से यहाँ पे object रखते हैं तो light ray ऐसे incident करती है और ऐसे incident करके इस तरीके से ये incident करती है lens के ऊपर और after refraction, देखो double refraction को हम लोगों ने mean refraction से दिखाया हुआ है. मतलब हर बार अब यहाँ और यहाँ करके दिखाएंगे वो ठीक बात नहीं है, तो इसलिए mean refraction दिखाया. और image कहाँ बनेगा? Infinity पे. So this point is, देखो अगेन आई डिड अ मिस्टेक. लास्ट लेक्चर में भी हमने गलती की थी और यहाँ पे भी मैं गलती कर दिया. इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर, ये सेकंड फोकस का है. सो इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर इमेज इज ऑब्टेंड इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी. तो मुझे ये रे डायग्राम को चेंज करना पड़ेगा, ये रे डायग्राम इसके लिए फिट है. तो एक काम करते हैं, ये सेकेंड प्रिंसिपल, यू सी आई डिड अ मिस्टेक, आई डोंट नो व्हाट वाज गोइंग इन माय माइंड, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस के लिए हो गया. तो इट इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस इट्स इमेज इज ऑब्टेंड एट इनफिनिटी. सो दिस इज योर एफ टू, दिस इज सेकेंड प्रिंसिपल फोकस. ओके, एंड अगर फर्स्ट की बात करें तो वी शुड से फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस. सो it is a point, ये second principle हुआ, ये first principle की बात कर रहे हम लोग. it is a point where image of it is a point on principal axis. It is a point on principal axis where image of infinitely distant object is obtained. It is a point on principal axis where image of infinitely distant object is obtained. That is first principal focus.
सो अगर इनफाइनेटली डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है तो उससे लाइट रे कैसे आएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल आएगी. तो बाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट की, एंड दीज लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन दे हैव कन्वर्ज एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. सो दिस इज आवर फर्स्ट फोकस. ये हमारा पहला फोकस है. दिस इज आवर फर्स्ट फोकस एफ ओम. एंड इट इज द पॉइंट वेयर इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस इट्स इमेज इज गॉट इन्फिनिटी. तो ये हमारा सेकेंड फोकस हो गया, ये एफ ओम. We know this is optical center of the lens, optical center of this lens. तो ये आपको अच्छे से ये दोनों डायग्राम समझ में आए. तो ये डेफिनेशन जो लिखा हुआ है ये तो आपने कॉन्वेक्स के हिसाब से लिख दिया. थोड़ा सा इसमें मैनिपुलेशन करेंगे तो हम इसके लिए भी ये डेफिनेशन लिखेंगे. तो कॉनकेव लेंस के केस में अगर हम ये वाली स्थिति की बात करके इनफाइनाइटली डिस्टेंट अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका इमेज कहाँ बनेगा? तो यहाँ देखो कैसे रे डायग्राम दिखाया जा रहा है. सो लेट्स सी, टेक द रे डायग्राम हियर ऑन दिस. तो सी, मैं ये मान रहा हूँ कि एक रे यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट की और ये रे यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट, और ये रे आफ्टर रिफ्रैक्शन, दीज रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन गोइंग लाइक दिस एंड यस एंड दिस इज आफ्टर रिफ्रैक्शन गोइंग लाइक दिस. ये दिस इज द सिचुएशन. अब अगर ऐसी स्थिति है तो ये चूंकि इधर ऑब्जेक्ट है और ये रिफ्रैक्टेड साइड है तो ये नॉन रिफ्रैक्टेड साइड है, तो ये हमने डॉटेड बना दिया इसको यहाँ से, राइट. ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट फोकस हुआ. ये कॉनकेव लेंस के केस में ये फर्स्ट फोकस हुआ. तो अगर हम देखें इट इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर इमेज ऑफ इनफाइनाइटली डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन. तो कॉन्वेक्स लेंस है तो वो कन्वर्जिंग लेंस भी कहलाता है. कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग. व्हाई कन्वर्जिंग? बिकॉज वो रे को प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ने की कोशिश करता है और ये रे को प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ ना मोड़कर प्रिंसिपल एक्सिस से दूर करने की कोशिश करता है. तो इसी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से दूर ऐसे डाइवर्ज कर रहा है ये, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं. ये कॉन्वेक्स लेंस तो है ही बट इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं. ये सब चीजें तो आपने 10th में पढ़ ली होगी. कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं और इनको हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं. दिस इज डाइवर्जिंग लेंस. ये हमारे लिए डाइवर्जिंग लेंस है. डाइवर्जिंग लेंस. सो डाइवर्जिंग लेंस. सो दिस यू मस्ट बी नोइंग. ये दोनों डाइवर्जिंग लेंस है. सो नाउ द पॉइंट इज कि यहाँ पे ये वाला जो डेफिनेशन है दोनों में सूट कर गया. इट इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर इमेज ऑफ इनफाइनाइटली डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन. यहाँ पे कैसा इमेज मिला? रियल इमेज मिला. यहाँ कैसा मिला? वर्चुअल इमेज मिला. ये रियल इमेज पोजिशन है, ये रियल इमेज है. यहाँ पे रियल इमेज है, ये कैसा है? वर्चुअल इमेज. अब ये सब चीजें तो मैंने आपको बहुत पहले समझा दिया है, ठीक है. ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज है. ओके जी. नाउ इस डेफिनेशन को कैरी फॉरवर्ड करें तो ये क्या कहा आपने? इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस इट्स इमेज इज ऑब्टेन्ड एट इंफिनिटी. आपकी इमेज कहाँ चाहिए? इन्फिनिटी पे चाहिए. सो सी, इमेज इन्फिनिटी पे चाहिए. तो क्या किया जा रहा है बच्चा लोग, बहुत ध्यान से सीखना. देखो मैं इसके ऊपर एक लाइट रख, चूंकि हमें पता है कि इसका नेचर क्या है, डाइवर्ज करने का है. तो सी, मैं एक रे ले रहा हूँ ऐसे, राइट, ये ऐसे लिया. फिर एक दूसरी ले रहा हूँ कुछ इस तरीके से, ये दूसरी रे ले ली और ये दोनों के दोनों रे, राइट, ये इस जगह पे जाके कन्वर्ज कर रहे हैं. अब ये इंसिडेंटिंग रे है, करेक्ट, ये इंसिडेंटिंग रे है और इंसिडेंटिंग रे जब रिफ्रैक्टेड साइड में जा रहा है तो उसको क्या दिखाएंगे? डॉटेड करके दिखाएंगे. तो यहाँ से देखो इसको डॉटेड कर दिए, यहाँ से ये आगे डॉटेड कर दिए. ये हमारा इंसिडेंटिंग रे कैसा पड़ा? कन्वर्जिंग. तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ. ये क्या हुआ? वर्चुअल ऑब्जेक्ट. और इसका आदत क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस से दूर करता है, यानी कि ये लाइट रे यहाँ और यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर के कैसे जाएगी? तो दिस लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम हियर दिस लाइट रेज आर गोइंग लाइक दिस बेटा. ये ऐसे चली जा रही, दिस इज गोइंग लाइक दिस. तो ये जो सिचुएशन है राइट, ये जो हुआ, अब ये इमेज कहाँ बनेगा भाई?
भाई ऐसे रे यार, ये कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे बन रहा है, तो इमेज एट इन्फिनिटी हो गया, इमेज एट इन्फिनिटी बन गया। तो आप कह रहे थे द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर इफ द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस इमेज इज एट इन्फिनिटी। तो भाई प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा कॉनकेव लेंस के केस में, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। तो ये कौन सा फोकस हुआ, ये हुआ आपका एफ टू। किस केस में ये हुआ एफ टू, किस केस में, कॉनकेव लेंस के केस में। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि कॉनकेव का जो फर्स्ट फोकस है वो लेफ्ट साइड है और सेकंड फोकस जो है वो राइट साइड है, और कॉन्वेक्स के केस में फर्स्ट फोकस राइट साइड है और सेकंड फोकस लेफ्ट साइड है। फिर से मैं ये बात कहूंगा, कॉन्वेक्स के केस में फर्स्ट फोकस राइट साइड है, फर्स्ट फोकस राइट साइड है एंड कॉन्वेक्स के केस में, एंड कॉनकेव के केस में वो लेफ्ट साइड है, और कॉन्वेक्स के केस में सेकंड फोकस लेफ्ट साइड है और इस केस में सेकंड फोकस राइट साइड है। इट इज लाइक दिस। तो ये तो डिफाइन हो गया, रे डायग्राम बन गया। मैथमेटिकली आपको यहाँ पे कुछ सीखना है, क्या सीखना है, बड़ी बात है। पहले हम ये जो फर्स्ट फोकस के केस में जो लिखा है आपने, फर्स्ट फोकस केस में भाई, इसके हिसाब से इक्वेशन को कैरी करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है 1/v - 1/u = 1/f, और 1/f को क्या लिख सकते हैं, 1μ2 - 1 1/r1 - r2 हमने पढ़ा ही है ना भाई। तो हमने लिख दिया भाई, चलो फिलहाल इसको 1/f लिखते हैं, अभी फिलहाल इतना ही लिखते हैं, 1/v - 1/u। दिस इज योर लेंस फॉर्मूला, मैथमेटिकल तरीके से आप डील करें। तो भाई तुमने कहा कि इट इज अ पॉइंट वेयर पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर इमेज ऑफ इनफाइनाइटली डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि यू कितना है, इन्फिनिटी है। सो पुट यू इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यू को आपने इन्फिनिटी रख दिया। अब यू इन्फिनिटी रखोगे दोनों केस में, तो यहाँ पे यू कैसा हो गया, इन्फिनिटी है, कहाँ पे, इधर कहीं पे, प्लस इसमें भी यू कितना है, प्लस इन्फिनिटी है भाई, आपने रख दिया यू इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये क्या आ गया, 1/v इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/v - 1/∞, दैट इज 0 एंड दैट इज इक्वल टू 1/f। सो 1/v इज इक्वल टू 1/f, और भाई ये आपका फर्स्ट फोकस है, तो यू आर राइटिंग f1, यू आर राइटिंग f1। दिस इंप्लाइज f1 इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू v। इसका मतलब जो इनफाइनाइटली डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का जो इमेज होएगा वो इस लेंस के फोकल लेंथ के बराबर होगा। सो इस लेंस का फर्स्ट फोकस कहाँ होगा, जहां पे इसका इमेज बनेगा, यानी कि ये वी जो होगा ये फोकल लेंथ के बराबर होगा। तो दिस लेंथ इज फोकल लेंथ, दिस लेंथ इज फोकल लेंथ। मैं यहाँ पे आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, ये हमारा क्या हुआ, फोकल लेंथ, ये हमारे लिए क्या हुआ, फोकल लेंथ। कौन सा फोकल लेंथ भाई, ये फर्स्ट फोकल लेंथ है, ये फर्स्ट फोकल लेंथ केस में। इस केस में ये सेकेंड फोकल है लेंथ है, ये सेकेंड फोकल लेंथ है। आई होप इट इज, मैं ठीक साउंड कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से मेरी आवाज ठीक आ रही होगी आप लोगों के पास। तो ये f1 is equal to v हमने कर, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसमें अगर अप्लाई करें, ये मैंने अप्लाई किया है फर्स्ट फोकस के लिए, यहाँ पे एक दूसरा कलर लेकर के और इस्तेमाल करते हैं, लेट्स सी। 1/v - 1/u = 1/f फॉर्मूला यूज किया। अब आपने बोला कि भाई इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, इमेज कहाँ बना, इन्फिनिटी पे। सो वी इज इक्वल टू इन्फिनिटी प्लेस करो भाई, आपको इमेज इन्फिनिटी पे चाहिए, पुट वी इज इक्वल टू इन्फिनिटी रख दिया। तो ये क्या हो गया, 1/∞ - 1/u = 1/f, ये तो 0 हो गया। सो 1/f इज इक्वल टू व्हाट, -1/u, ये सॉरी, या 1/f इज इक्वल टू -1/u, यानी कि दिस f इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज -u। इसका मतलब जो सेकंड फोकस होगा वो किसके बराबर होगा, और आप कहोगे भाई माइंड यू मैंने यहाँ माइनस यू रखा और मैं वी को इन्फिनिटी रखूँ और यू की जगह पे माइनस यू रखूँ, मतलब यहाँ पे साइन कन्वेंशन डाल दूँ, तो देखो क्या होगा, माइनस यू रख दिया और ये माइनस रखा और अब ये क्या हो गया, प्लस हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, एफ यू किसके, एफ जो सेकेंड फोकस होगा कितना, प्लस यू के बराबर होगा। तो आप फंस गए ना ऐसे रखने के बाद, क्या नतीजा आया, ये सेकेंड फोकस आपको पता चला इधर है इधर है, तो आपको ये गलती नहीं करना है, यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। So you will not do this, you will not do this, you will not do this. So from here you are saying u is equal to -f or f is equal to -f u.
यानी कि जहां पे आपने ऑब्जेक्ट रखा है, यानी कि ये जो डिस्टेंस होगा, ये माइनस यू जो है, यही आपका सेकंड फोकस होगा. तो सी हियर, व्हाट आई मीन टू से दैट, कि इसमें यू जो आया, यू जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वो कितने के बराबर है? यू इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे, जो ध्यान देने वाली बात है, यू कितने के बराबर है? माइनस एफ के बराबर है. और यू वाली जो ये पोजिशन है वो किसकी पोजिशन है? अगर ये सी है तो सी एफ टू की वैल्यू कितने के बराबर होगी? माइनस एफ के बराबर होगी. सी एफ टू की वैल्यू माइनस एफ के बराबर होगी. और यहां से देखें तो सी एफ वन की वैल्यू कितने के बराबर होगी? सी एफ वन की वैल्यू किसके बराबर होगी? दैट इज इक्वल टू वी के बराबर होगी. सो प्लीज अंडरस्टैंड, सी एफ टू मतलब दिस फोकस, सी एफ वन मतलब दिस फोकस, राइट? दिस इज वॉट वी हैव गॉट. ये कितना आया? सी एफ टू कितना है? माइनस एफ. सी एफ वन कितना है? दैट सी एफ वन, दिस वी इज इक्वल टू एफ था. That is CF1 is equal to CF1 is equal to F आ गया. So what do you say? The first focus and the second focus दोनों की numerical value कितने के बराबर आई? Lens के focal length के बराबर आई. और lens का focal length कितना होता भाई? 1 by F is equal to 1 mu 2 minus 1, 1 by R1 minus 1 by R2. You see, जो बच्चा स्क्रीनशॉट लेके पढ़ता है उसको पता ही नहीं चलेगा कि भाई क्या सीक्वेंस है, कौन सा इन्फॉर्मेशन कब लिखा है आपने. इसलिए लेक्चर को पढ़ करके और अपने हिसाब से, सीक्वेंस के हिसाब से, मतलब मैंने, मेरे पास तो भाई मुझे इसी पेज पे सब कुछ दिखाना है. आपके पास तो ये लिमिटेशन नहीं है, तो आपको ऑर्डर में लिखना आना चाहिए कि सर कब क्या डिस्कस कर रहे हैं. ये नहीं कि आप जैसे तैसे खींच कर बना देंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा. सो स्क्रीन शॉट इज नॉट द सोल्यूशन. लेक्चर को ठीक से देखो और फिर तरीके से नोट करो. सो वन बाई एफ इज इक्वल टू दिस. तो भाई आर वन आर टू इसका या आर वन आर टू इसका तो सेम है, और म्यू वन म्यू टू भी सेम है, तो इसका मतलब फोकल लेंथ तो सेम आएगा, लेकिन इसका फर्स्ट फोक जो सी एफ वन है, फर्स्ट फोकस वो एफ के बराबर है, और सी एफ टू कितना है? माइनस एफ के बराबर है, और एफ की वैल्यू दोनों में सेम होगी. तो सिर्फ इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस दोनों की वैल्यू जो है, दोनों की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या आएगा? सेम आएगा. और अगर सी एफ टू अपॉन सी एफ वन कर दें यहाँ पे तो क्या आएगा? यानी कि एफ वन बाई एफ टू करेंगे तो क्या आएगा? माइनस वन आ जाएगा. भाई एक प्लस में और एक माइनस में, दैट इज व्हाट द पॉइंट इज. यानी कि दोनों फोकल लेंथ की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है. दैट इज द मोरल, आई मीन दैट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस पर्टिकुलर पेज. दोनों फोकस कहाँ होते हैं ये भी पता चल गया, दोनों तरफ का फोकल लेंथ भी क्या होता है? सेम होता है. एंड दैट इज इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस, एंड दैट इज डिपेंडिंग अपॉन म्यू एंड आर वन एंड आर टू, और वो तो सेम होएगा. दैट्स व्हाट द पॉइंट इज. अब अगर एक बच्चा ये पूछे कि सर इधर मैं म्यू वन रख दूं, इधर म्यू टू और यहाँ म्यू थ्री रख दूं, तो क्या फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस बदल जाएगा? अरे बच्चे, मैंने यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया, यहाँ अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो वन बाई वी वन बाई यू निकाल लेंगे, वी और यू मालूम होगा, और फिर क्या करेंगे? वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ. वी और यू की वैल्यू रख के यहाँ से एफ कैलकुलेट करेंगे, यानी कि दैट विल से दैट कि ओके, ऐसा होने पे भी इस लेंस का फोकल लेंथ क्या निकल गया आएगा. और जब वो फोकल लेंथ निकल जाएगा तो फिर हम बताएंगे कि फर्स्ट फोकस इधर है, सेकंड फोकस इधर है. विल से इट लाइक दिस, दैट दैट्स व्हाट द पॉइंट इज. क्लियर हो जाना चाहिए पॉइंट यहाँ तक. अब आपको आगे की तरफ में लेके चलने, सम मोर न्यू पॉइंट्स आई वुड लाइक टू टेल एंड डिस्कस विथ यू. सो नाउ वी लर्न समथिंग मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. नाउ हियर लुक एट दिस. तो ये भी आप नोट में ही रखिए, यानी कि दिस ऑल आर पॉइंट्स. तो मैं आप चाहूंगा कि आपको पहले इस चीज पे आपका ध्यान जाए, यानी कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे ध्यान जाए. जरा देखो, ये आपके लिए एक लेंस है और ये इसका, ठीक है जी, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस है. नाउ हियर द पॉइंट इज कि अगर अगर ये इसका आर वन है और आर टू है, इसका वन बाई एफ के बारे में बात करते हैं. सो वी नो दैट, ध्यान रखना कि क्या पॉइंट समझाया जा रहा है. We know that, ये बहुत अच्छे से समझना है. वन बाई एफ इज इक्वल टू वन म्यू टू माइनस वन, वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू. ये रिजल्ट हमने पढ़ा है. तो कॉन्वेक्स लेंस में इसका आर वन किधर होगा? साइन कन्वेंशन, मतलब आपको ये बताया जा रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ जो होता है ना, जो ये बात बताई जा रही है वो एक हद तक, आई मीन जो हम लोग सिलेबस पढ़ते हैं, हमारे सिलेबस में ऑलमोस्ट हर हद तक हम लोग इस पॉइंट को सही लेके चलते हैं. क्या बात कही जा रही है, ध्यान से समझना.
अगर आप अच्छे से इन्वॉल्व होगे तो समझ में आएगा, और अगर आपने मेरी बात ढंग से नहीं सुनेंगी तो नहीं सुनोगे तो आपको कौन दिक्कत हो जाएगा, फिर आप परेशान हो जाओगे। वन बाई एफ इज इक्वल टू, ये रिजल्ट लिखा हुआ है। सो फॉर कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि लेफ्ट टू राइट रे डायग्राम बनाए, सपोज कर लो कोई रे डायग्राम हमने लिया, इसके ऊपर लाइट रे डाला और ये लाइट रे भाई ठीक है, ये लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, दिस इज व्हाट वी नो। मैंने सिर्फ अभी एक रे कंसिडर किया है अपनी बात समझाने के लिए, ठीक है जी। नाउ हियर व्हाट आई वांट टू से, भाई लेफ्ट टू राइट लिया, ऐसे लिया, तो ये हमारा फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस हुआ, ये सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस हुआ। तो मैं अगर इस इधर से लेके चलूं तो आर वन हमारा क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया, और आर टू हमारा क्या होगा, माइनस में होगा, और वन म्यू टू यानी कि ये म्यू वन है और ये म्यू टू है, और मान के चले कि म्यू वन की वैल्यू जो है म्यू वन इज लेस देन म्यू टू, मतलब ये रेयर है, ये डेंसर है। इन सब को अगर यहाँ पे रखें तो वन बाई ए फिजिकल टू आपने क्या देखा, वन बाई ए फिजिकल टू आपने क्या देखा, भाई ये चिपक रहा है ठीक बात नहीं है। सो वन बाई ए फिजिकल टू आपने क्या देखा, वन म्यू टू, म्यू वन चूंकि छोटा है म्यू टू से, सो वन म्यू टू की वैल्यू क्या होगी, दिस इम्प्लाइज वन म्यू टू इज ग्रेटर देन वन, सो दिस इज वन म्यू टू माइनस वन, दिस विल बी पॉजिटिव। भाई ये समझ में आ रहा ना भाई, वन म्यू टू की वैल्यू वन से बड़ी होगी, म्यू टू बड़ा है म्यू वन से, सो दिस विल बी पॉजिटिव। और यहाँ देखो वन बाई आर वन को क्या लिखोगे, प्लस कुछ लिखोगे भाई, भाई वन बाई पॉजिटिव माइनस, और यहाँ क्या लिखोगे, माइनस निगेटिव कुछ लिखोगे। तो ये अगले, ये तो पॉजिटिव बन गया पूरा टर्म, और यहाँ क्या बना जी, ये पॉजिटिव है, ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, यानी कि पॉजिटिव, और फिर अंदर में ये जो है प्लस साइन, और ये भी क्या हो गया पॉजिटिव। सो फाइनली व्हाट यू आर गेटिंग, पॉजिटिव यू आर गेटिंग, सो वन बाई एफ इज पॉजिटिव, दिस इंप्लाइज फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, करेक्ट, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव है। अब अगर एक बच्चा इसी क्वेश्चन को, मतलब अभी लेफ्ट टू राइट डायग्राम लेकर के हमने किया था, सपोज कर लो कोई बंदा रे डायग्राम उल्टा बनाता है, इस तरीके से बनाता है, वो कह रहा है मैं इस कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ, ध्यान से सुनना है बेटा, राइट, थोड़ी देर के लिए ऐसा लगेगा कि मैं कंफ्यूजिंग पढ़ा रहा हूँ, बट ऐसा है नहीं, ऐसे ले लिया, और फिर ये लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है इट हैज गोन लाइक दिस, सपोज समथिंग लाइक दिस, ऐसे ले लिया। ऐसे ले लिया, अब हमारे पास एक सिचुएशन है, अभी तो आपने देखा कि कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव है, फोकल लेंथ ऑफ, हम पढ़ जो रहे हैं, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, ये डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ये मैंने पहले ऐसे दिखा दिया। अब ये ग्रीन कलर वाली सिचुएशन देखो, अब लाइट रे ऐसे गई और लाइट रे ऐसे जा रही है, होना ही है, कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग है, तो उसको रे को प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ देगा वो। नाउ अगर हम इसके नजरिए से चले सर, तो ये हमारा फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा, ये सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा, लाइट रे ऐसे जा रही है। कार्टेशियन सिस्टम हमने अभी ऊपर वाले में क्या हुआ कि लेफ्ट टू राइट में क्या होता है, हमें पता है कि इधर हम लोग प्लस लेते हैं, इधर हम माइनस लेते हैं, ऊपर प्लस लेते हैं, नीचे माइनस लेते हैं। तो पहले तो ये डिसाइड करो कि आपको कार्टेशियन सिस्टम फॉलो करना है या नहीं करना है। तो अगर आपको कार्टेशियन सिस्टम फॉलो करना है, कार्टेशियन सिस्टम फॉलो करना है, और कार्टेशियन सिस्टम क्या कह रहा है, बाय दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज नेगेटिव, ये कार्टेशियन सिस्टम है। तो अब लाइट रे ऐसे जा रही है, तो भाई आपका जो ये डायरेक्शन है, यानी कि ये जो सरफेस है, इसका जो R1 होगा, इसका जो R1 होगा, R1 वो कैसा होगा, वो तो इधर की तरफ होगा, तो ये R1 कैसा आएगा, नेगेटिव। R1 कैसा आएगा, अगर आप इधर जा रहे तो R1 किधर आएगा, नेगेटिव की तरफ, और R2 किधर होगा, पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि ये R1 बन जाएगा, ये वाला R1 होगा और ये वाला क्या होगा, R2 होगा। भाई आप इधर से गए तो ये R1 हो गया, इधर इधर से R1 होगा और ये R2 हो गया, जब इधर जाओगे तो ये आपके लिए क्या बनेगा, दिस विल बी द फर्स्ट सर्फेस एंड दिस विल बी द सेकेंड सर्फेस। तब आप अगर करने जाओगे, सो वन बाई एफ इज इक्वल टू नाउ वन म्यू टू माइनस वन और वन बाई R1, अब R1 ये आप लेके चलोगे, ठीक है जी। सो यू आर राइटिंग नेगेटिव, फिर माइनस,
और प्लस पॉजिटिव समथिंग लाइक दिस। अब आपके पास वन म्यू टू माइनस वन और ये क्या हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, तो यार ये तो पॉजिटिव था और ये क्या है नेगेटिव आ गया। अब वन बाई एफ कैसा आ रहा है अभी तक, नेगेटिव आ रहा है, एफ क्या हो गया नेगेटिव हो गया। ऐसा कब हुआ, जब आप इधर चले गए इसे रीडायग्राम लेके आए तो आपका फोकल लेंथ नेगेटिव आ रहा है, करेक्ट। क्या मतलब है इस बात का कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस नेगेटिव भी होएगा। आपने इसमें कार्टेशियन साइन कन्वेंशन तो सेम रखा है और डायग्राम आपने राइट टू लेफ्ट ले लिया, बट अब एक काम करो, नाउ यू डू इट लाइक दिस। सपोज कर लो आप जिधर से लेके जाना चाह रहे उधर लेके जाओ, अब आप ऐसे मानो भाई ये पॉजिटिव ना होके ये नेगेटिव हो गया और ये हमारा, चलो इसको पॉजिटिव रहने दो और इसको नेगेटिव रहने दो और इसको पॉजिटिव मान लो, यानी कि रे का जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन पॉजिटिव ले लिया जाए, रे जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसको पॉजिटिव लिया जाए, तो रे अभी इधर जा रही है, अभी इस केस में रे इधर जा रही थी तो हमने पॉजिटिव लिया, अब रे इधर जा रही है ऐसे ले ले, तो ये दो कलर से मैंने इस केस में आपको ये चीज नेगेटिव दिखाई दे रही है ग्रीन कलर वाले में, ठीक है ना। अब मैं आपको तीसरे कलर से दिखा रहा हूँ कि अगर आप इस तरीके से सोचेंगे इस डायग्राम में, भाई इस डायग्राम में तो आपने लिया ना भाई जिस डायरेक्शन में रे जा रहा था वो डायरेक्शन हमने पॉजिटिव लिया, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव लिया, अब हम जा इधर रहे थे और कार्टेशियन जो था हमने उसको लिया तो यहाँ हमारा फोकल लेंथ नेगेटिव आ गया। अब अगर इसकी तरफ देखें कि भाई जिधर जा रहे हैं हम इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना और हम इसके साइन को बदल दें, भाई क्या करना है, सिर्फ फ्लिप करना है, तो उस केस में आप करने जाओगे तो वन बाई एफ क्या आएगा, वन म्यू टू माइनस वन और वन बाई वॉट, अब आर वन क्या हो गया पॉजिटिव आ जाएगा तुम्हारा और माइनस और वो क्या होगा नेगेटिव आ जाएगा, सो फाइनली दिस विल बी पॉजिटिव एंड दिस विल बी व्हाट पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ऐसे ही आएगा, सो फाइनली दिस विल बी पॉजिटिव 1 बाय f एंड देयरफॉर f इज इक्वल टू व्हाट पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर आप इंसिडेंटिंग रे का डायरेक्शन पॉजिटिव लेके चलोगे, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे हो रही है वो डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ ऑलवेज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। बट आप इंसिडेंटिंग रे के डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन ना मानो तो भाई चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। तो हम लोग तो ऑलवेज क्या करेंगे, इंसिडेंटिंग रे के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके चलेंगे और लेफ्ट टू राइट बनाएंगे तो फायदा हो गया कि कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का भी जो डायरेक्शन होगा वो उसी डायरेक्शन को सपोर्ट करेगा। तो जब ये बात बताई जाती है कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये है, ये बात जो बताई जा रही है इसका मतलब ये है कि इंसिडेंटिंग रे के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके चलना है और उस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। और यहाँ पे ध्यान रखना, प्रोवाइडेड डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन पॉजिटिव, टेकन एज पॉजिटिव। तो ये फैक्ट है और हम इसी बात को ध्यान रख करके ये बात कही जाती है, ठीक है ना, ये बात। तो हमारे कोर्स में कॉन्वेक्स लेंस को हम फोकल लेंथ पॉजिटिव लेके चलते हैं, ठीक है जी। अब जितनी बात मैंने आपको यहाँ पे बताई तो इसका मतलब कि कॉनकेव का लेंगे तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली आपको पता ना कि आर वन आर टू का डायरेक्शन बदल, लाइक ये आर वन इधर हो गया आर टू इधर हो गया, तो अगर आप पहले ही केस में लेके चलोगे तो इसका आर वन इधर है यानी कि यहाँ क्या होगा माइनस, फिर माइनस और उसका आर टू इधर क्या आएगा प्लस, तो वो क्या जाएगा निगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे एक लाइन और जोड़ दे, सिमिलरली दिस कैन बी एक्सप्लेन, यहाँ पे लिख रहा हूँ सिमिलरली दिस कैन बी, यहाँ पे दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड दैट फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव। ये बेटा बहुत तरीके से ये बात आपको मैं देख रहे हो ना, यहाँ सब पढ़ाने के बाद मैंने ये बात कही, अब स्क्रीनशॉट लेने वाला क्या करेगा, समझ में नहीं आएगा उसको क्या लिखा हुआ है, क्या नोट्स बनाया है। सो दैट इज व्हाई
आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट राइट. सो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव हम लोग लेने का मतलब हमें पता है कि हम इंसिडेंटिंग रे के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके चलते हैं, या ऐसे ले या ऐसे ले, और इस तरीके से हम पॉजिटिव लेके चलते हैं. ठीक है जी, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए. अब कॉन्केव की नेगेटिव, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है. अब एक दूसरी नई बात आपको बताई जाएगी जो बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगा, तो पहले मैं यह लिखूंगा, ध्यान से रखना, कि कॉन्वेक्स लेंस लेंस और फोकल लेंथ इज पॉजिटिव एंड इट इज कन्वर्जिंग लेंस. ठीक है जी. कॉन्केव लेंस फोकल लेंथ इज नेगेटिव एंड इट इज डाइवर्जिंग लेंस. ठीक है, ये बात हमने समझ लिया. अब एक नई सिचुएशन आपको बताने जा रहा हूं, वो देखो. सपोज कर लो कुछ इस तरीके का सिचुएशन कि सर ये आपने लेंस लिया, ठीक है, और इस लेंस को आपने एक ऐसे सराउंडिंग मीडियम में डाल दिया. ये लेंस है एंड दिस इज म्यू टू एंड दिस इज म्यू वन. लेट्स सपोज ये म्यू वन, और सपोज कर लो म्यू वन बड़ा हो गया म्यू टू से, है ये कॉन्वेक्स लेंस, और म्यू वन बड़ा हो गया म्यू टू से. अब जो कुछ आपने यहां पढ़ा, भाई ये तो प्लस आ रहा था, वन म्यू टू माइनस वन क्या होगा, चूंकि भाई म्यू वन लेस देन छोटा था यहाँ पे, अब तो वहां पे म्यू वन ही बड़ा हो गया, तो वन म्यू टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन से छोटी हो जाएगी, तो ये तो निगेटिव हो जाएगा. इसका मतलब यहाँ वाले एक्सप्लेनेशन से सबको समझाया है ना मैंने कि भाई ये तो आपने देख लिया है. अब सोचो कि अगर जैसे मैंने यहाँ दिखाया है कि इस लेंस को ऐसे मटेरियल मीडियम में रख दिया कि इफ म्यू वन इज ग्रेटर देन म्यू, तब क्या हो, यानी कि लेंस इज प्लेस, दिस इंप्लाइज लेंस इज प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो अगर हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में रख दोगे आप, तब क्या होगा भाई, तो अब तो इसका फोकल लेंथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा. इन दैट सिचुएशन दिस लेंस विल नॉट वर्क एज अ कन्वर्जिंग लेंस. तुमको ये क्या कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग होता है, बात सही है, कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग होता है, बट यू सी दिस सराउंडिंग मीडियम इज डेंसर एंड दिस इज रेयर. तो अब लाइट रे डेंसर टू रेयर जाएगी तो नॉर्मल की तरह थोड़ी बेंड करेगी यार, वो नॉर्मल से अवे हो जाएगी ना. तुम कहोगे क्या बकवास पड़ा रहा भाई, लाइट रे देखो यहाँ पे रेयर टू डेंसर गई ऐसे, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, मतलब नॉर्मल की तरफ मुड़ जाने की वाली जो बात है वो बिल्कुल सही बात है. ये लाइट रे यानी कि अब यहाँ पे हम लोगों ने डबल रिफ्रैक्टिंग तो दिखाया नहीं. अब याद करो हमने लेंस मेकर फॉर्मूला में आपको दिखाया था कि कैसे मुड़ रही है. सपोज कर लो वो लाइट रे आप आई एम फीलिंग लिटिल, एक मिनट ये काम करते, ये लेंस रखा जस्ट टू मेक यू, मैं बिल्कुल रूट आउट कर दूं आपकी ये प्रॉब्लम. ये ले लिया, अब आप इसके ऊपर एक लाइट रे डालो, बोलो भाई मैंने लाइट रे डाल दी. सपोज कर लो लाइट रे ऐसे डाल दी इस जगह पे, अब इसका सी होगा कहीं पे भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ना इस कर्व का. सो लेट सपोज यहाँ कहीं पे आपने एक सी माना, ऐसे रख दिया, और अब बोलो जी हेलो दिस लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम अ मीडियम म्यू वन एंड दिस इज म्यू टू, और दिस म्यू वन इज ग्रेटर देन म्यू टू, सो दिस लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, सो इट हैज टू गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल. अब ये लाइट रे रिफ्रैक्ट होने के बाद कैसे जाएगी भाई, इट विल गो लाइक दिस, इसको ऐसे ही जाना पड़ेगा. सो इट इज नॉट गोइंग टूवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस नो. सो नाउ इसका जो कन्वर्जिंग कैरेक्टर था वो क्या हो गया, गायब हो गया. दैट्स वॉट मीन इज, दैट्स वॉट द पॉइंट इज. सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट. सो हाउ दिस, नाउ दिस रे इज नॉट गोइंग टूवर्ड्स
ये नॉर्मल से अवे जाएगी तो इट्स नॉट बेंडिंग टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस। उसका कन्वर्जिंग करेक्टर जो था वो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वजह से गायब हो गया भाई। ठीक है, अब अगर कोई पूछे कि सर कॉनकेव लेंस के केस में क्या होगा, तो ये जैसे इसका सेंटर इधर हुआ करता था, अब अगर मैं यहाँ पे कॉनकेव लेंस बना लूँ और मैं बोलूँ कि लो इस पे लाइट रे डालू, मैं सपोज करो मैं लाइट रे ऐसे डालू, ध्यान देना ये लाइट रे ऐसे डाल दिए, अब इसका सी तो इधर है, ठीक है डालेंगे भाई सी यहाँ पे रखें, तो इसके किसी पॉइंट से भाई ये सी यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेट सपोज मैंने ऐसे डाल दिए नॉर्मल। अब यहाँ क्या हो रहा है भाई, ये जा रही है डेंसर टू रेयर, तो इसको नॉर्मल से अभी मोड़ना है। अब इसका सी इधर होने का नतीजा देखो, ये लाइट रे ऐसे जा रही है, नॉर्मल से अवे होना था इसको और इधर भागना पड़ेगा, सो यू कैन सी दैट कि अब इस लाइट रे को कैसे जाना है भाई, इट हैज टू गो लाइक दिस, सो नाउ इट इज गोइंग टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस, करेक्टर बदल गया ना। किसकी वजह से? अगर म्यू वन सराउंडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया तो भाई कॉनकेव इज एक्टिंग लाइक अ कॉन्वेक्स एंड कॉन्वेक्स इज एक्टिंग लाइक अ कॉनकेव, क्या करे हो रहा है ऐसा। सो इफ म्यू वन इज ग्रेटर देन म्यू टू, लेंस इज प्लेस, दैट इज दिस इंप्लाइज लेंस इज प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो भाई रे उस केस में फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, लेंस यानी कि आप ये वाला कंडीशन मानो कि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन पॉजिटिव होता है, वो सब कुछ लेके भी चलो तब भी, सो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस नेगेटिव होगा एंड इट विल बिहेव एज कॉनकेव लेंस दैट इज डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। सो यू नो आई मीन दैट इज वाई दिस नेम इज बींग, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस को अगर ऐसे मीडियम में रख दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया, तो वो कॉन्वेक्स तो सरफेस वाइज है ना भाई, बट बिहेवियर वाइज है वो क्या हो गया, कॉनकेव हो गया, यानी कि डाइवर्जिंग लेंस की तरीके से काम करेगा। और फिर फोकल लेंथ ऑफ देखो जी जी टी एच लिखना बाकी भूल गए, यहाँ पे भूल गए, छूट गए, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस will be positive, that is it will behave as convex, that is converging lens. So अगर ये सवाल पूछ जाए कि क्या convex lens always converging होगा, answer is no, because surrounding का अगर बढ़ा दोगे तो ऐसा हो जाएगा। And what will happen अगर mu1 mu2 बराबर हो गया, तो क्या होगा अगर म्यू वन म्यू टू बराबर हो गया, तो म्यू टू बाई म्यू वन की वैल्यू क्या हो गया, वन, वन माइनस वन जीरो, ये जीरो हो गया, वन बाई एफ कितना हो गया जी जीरो, तो एफ कितना हो गया जी इन्फिनिटी, फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो गया जी, इसका मतलब कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग का मसला खत्म हो गया जी, लाइट रे सीधे चली जाएगी, कोई रिफ्लेक्शन, चूंकि अब क्या हुआ मीडियम सेम है, मीडियम सेम है भाई, तो मीडियम सेम है तो अब किस बात का, रेयर टू डेंसर वाली नहीं, तो ये जो ऐसे सीधे चली जाएगी, कोई डेविएशन ही नहीं होगा, तो कोई रिफ्रैक्शन जैसी आपको चीज ही महसूस नहीं होगी, तो वहां कोई पावर ही नहीं होगा। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। फोकल लेंथ जीरो, फोकल लेंथ क्या हो गया इन्फिनिटी हो गया, पावर क्या हो गया जीरो हो गया। सो ये क्वेश्चन इस बार जेई केस में आया था कि उस केस में लेंस को अगर सेम मटेरियल मीडियम में रख देंगे तो व्हाट विल हैपन टू द फोकस। सो ये जीरो हो गया, ये पूरा जीरो हो गया, वन बाई एफ की वैल्यू जीरो, सो एफ इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो गया। That's what the point is. So ये ध्यान रखना कि भाई if mu1 is equal to mu2, f is equal to infinity, no behavior, no refraction, बोलने का मतलब no bending, कोई bending नहीं होगा, right? That's what the point is. So ये आप समझ गए कि convex positive और कॉनकेव निगेटिव होता है, इसका कंट्राडिक्टरी आई मीन इसका कंट्राडिक्शन भी समझ लेगी, किस केस में ये नहीं होता, ये भी बात आप समझ गए, राइट गाइस। सो अब एक और अलग तरीके का पॉइंट हम लोग पढ़ने के लिए चल रहे हैं। नाउ वी आर, आई होप
you guys are understanding what I have discussed till now. So these points is well taken by you guys. So now I'll go for another concepts. Right. देखिए अब जब हम लोगों ने ये बात समझ ली कि भाई ऐसा कुछ होता तो जरा इसी रिजल्ट पे ऐसे देखें भाई, ये कॉन्वेक्स लेंस आप मानिए या कोई भी कॉनकेव लेंस मानिए, जैसा भी एक कॉनकेव लेंस भी लेकर के पढ़ सकते हैं। सपोज कर लो यहाँ एयर है और ये ग्लास है, यानी कि ये इस लेंस का, दिस लेंस इज मेड ऑफ ग्लास, ठीक है। और अब इसी लेंस को आप उठा के, यानी कि इस ग्लास लेंस को वाटर में रख दिया, ये वाटर है। अब फोकल लेंस चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। तो बहुत बार आपसे फोकल लेंस का रेशियो पूछ लिया जाएगा, तो क्या होगा भाई, 1/f एयर लिख दिया मैंने भाई, ग्लास का लेंस बना हुआ है भाई, मटीरियल ऑफ द लेंस इज जो भी हो 1/f एयर, यानी कि एयर में पूछा गया, तो हम क्या लिखेंगे, एयर म्यू ग्लास माइनस वन और 1/r1 माइनस 1/r2, लो भाई ये आ गया। और अगर वाटर में रख दिया, यानी कि वाटर के अलावा कोई दूसरा मीडियम भी हो सकता था, तो आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे मीडियम म्यू ग्लास माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। और अगर हम इनका रेशियो ले लेंगे तो क्या होगा, ये याद रखना चाहिए आपको, 1/f एयर अपॉन 1/f मीडियम। या मैं आपको इस हर स्टेप करके दिखा रहा हूँ, बट आपको सीधा सीधा ये रिजल्ट अगर अप्लाई करना सीखे तो बहुत बड़ी बात है। तो इतनी भी बड़ी नहीं है, मतलब सब सीखने वालों के लिए बहुत छोटी बात है। तो दिस इम्प्लाइज नाउ एफ मीडियम, यानी कि अगर एक लेंस को ये एफ एयर, व्हाट इज दिस हियर कमिंग आउट, एयर म्यू ग्लास माइनस मीडियम म्यू ग्लास माइनस वन, को समझ में आ रहा है क्या कहा गया, कि अगर किसी मीडियम में किसी लेंस को रख दिया गया, किसी मीडियम में किसी लेंस को रख दिया गया, तो बताओ उस लेंस का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा जी, दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। लो जी, तो अगर आपको एयर में रखने पे उसका फोकल लेंथ मालूम है, तो मीडियम में क्या होगा भाई, एयर म्यू ग्लास माइनस वन, मीडियम म्यू ग्लास माइनस वन, लो जी हो गया, ये ऐसे रिजल्ट निकल जाएगा, दिस रिजल्ट कैन, इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, आई होप यू गॉट इट नाउ। सो अगर ये वाटर के फॉर्म में कंसिडर कर लीजिए, लेट्स हम लोग वाटर के लिए करें, यानी कि एक लेंस को जो कि ग्लास का बना है, जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 3/2 है, 1.5 है, उसको वाटर में रख दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, तो कितना सा फर्क पड़ जाता है, हाउ मच टाइम्स इट फर्क्स। तो लेट सपोज एफ वाटर पूछ रहे हो, तो एफ एयर यहाँ रहने दो, और साहब जी एयर म्यू ग्लास 1.5 माइनस 1, दैट इज एक स्टेप लिख देते हैं, और वाटर अब देखो यहाँ म्यू ग्लास अपॉन वाटर है ना, मतलब वाटर में पढ़ रहे हैं ना आप यहाँ पे, सो दैट इज 1.5, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 4/3। तो एक काम करते हैं, इसको चेंज करके लिखते हैं, ठीक है, लुक एट दिस हियर, आई एम यूजिंग, सो ग्लास के लिए लिख दिया 3/2 और वाटर के लिए लिख दिया 4/3, दिस माइनस 1, तो ये क्या हुआ एफ एयर, एंड दिस इज ऊपर क्या हो गया 3/2, दैट इज 1/2 आप लिख लेंगे, और नीचे देखो जी दिस इज 3/2, 2 नीचे 8, 9/8, सो 9/8 माइनस 1, अब ये क्या हो गया जी 9 माइनस 8, 1/8 आ गया, सो एफ एयर इंटू 1/2, दिस इज 1/2, और साहब जी ये सॉल्व करोगे तो 1/8 है ना, 1/8 है, तो इसका 1 नीचे रह गया और 8 ऊपर चला गया, सो व्हाट डू यू गेट, 4 टाइम्स ऑफ एफ एयर। सो फोकल लेंथ इन वाटर हैज इंक्रीज्ड, आई होप यू गॉट माय पॉइंट। कैसे कि अगर किसी लेंस को किसी मीडियम में आपने रख दिया, ये रख दिया, तो भाई अगर मीडियम में रखोगे तो एयर के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ये 1/f है तो ये वैल्यू कम हो, यानी कि दिस टोटल वैल्यू हैज बिकम लेस, सो एफ विल बिकम व्हाट, 1/something स्मॉलर, दैट पावर विल बी, फोकल लेंथ विल बी मोर, फोकल लेंथ विल बी मोर, इट मींस पावर विल बी लेस, पावर लेंथ हो जाएगा, फोकल लेंथ बड़ा होगा, दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। सो फोकल लेंथ हैज इंक्रीज्ड, सो व्हाट डू यू सी, फोकल लेंथ इंक्रीजेस,
राइट कितना इंक्रीज होगा डिपेंडिंग अपॉन लाइक व्हाट इज दिस दिस मैथमेटिकल सिचुएशन इज ओके दिस इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट वी आर डूइंग हियर इट्स नॉट समथिंग कुछ ऐसा नहीं है कि बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ठीक है जी सब सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ मैं अभी सो ये बात भी हमने समझ लिया नाउ वी आर सेइंग जरा इस रिजल्ट की तरफ हम देखें कि सर अगर एक यस पावर ऑफ अ लेंस की बात करें हम लोग किसकी बात करेंगे पावर ऑफ लेंस की पहले उसको बताना चाहूंगा और फिर आगे और भी बहुत सारी बातें बतानी है सो पावर ऑफ अ लेंस की बात करें पावर ऑफ अ लेंस पावर ऑफ अ लेंस क्या होता है सो पावर ऑफ लेंस की बात करें सो इट इज डिफाइंड एज ये आपने पढ़ा होगा It is defined as reciprocal. It is defined as reciprocal of focal length in meter. It is defined as reciprocal of focal length in meter. So this P is equal to 1 by F and this F in meter. ठीक है दिस इज आवर पावर ऑफ लेंस सो लार्जर द फोकल लेंथ स्मॉलर इज द पावर दैट्स व्हाट द पॉइंट इज दैट शुड बी इन मीटर एंड इसलिए पावर का यूनिट क्या हो गया यूनिट ऑफ पावर इज मीटर इनवर्स बट नो इससे भी ज्यादा एक डॉप्टर यूज करते हैं हम लोग सो दिस इज इक्विवेलेंट टू या This is more popular diopter. D से represent करते हैं ठीक है जी सो यूनिट ऑफ पावर मीटर इनवर्स और डायोप्टर दिस इज वॉट वी यूज इट लाइक तो अगर आपसे P इज इक्वल टू 1 बाई एफ ये मीटर में बेटा और 1 बाई एफ का फॉर्मूला क्या मालूम है 1 म्यू 2 माइनस 1 1 बाई आर 1 माइनस 1 बाई आर 2 सो व्हाट डू यू सी हियर कि अगर आप किसी लेंस को मतलब लेंस का जो मटेरियल है उसको बहुत ही कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में रखते हो यानी कि 1 म्यू 2 की वैल्यू बड़ी कर देते हो ठीक है और आर वन आर टू आप कुछ ऐसा चूज करते हो कि ये रिजल्ट भी बड़ा हो जाए यानी कि ये टोटल बहुत बड़ा हो जाए यानी कि 1 बाई एफ बड़ा हो जाए यानी कि पावर बड़ा हो जाए तो उसका मतलब फोकल लेंथ क्या हो जाना चाहिए छोटा हो जाना चाहिए सो इफ यू वॉन्ट अच्छा इसको बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा ये तो पता है कि R2 जो होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि R1 और R2 क्या होना चाहिए छोटे होने चाहिए अगर R1 छोटा होगा तो ये रेशियो क्या होगा बड़ा होगा R2 भी छोटा होगा तो ये रेशियो क्या होगा बड़ा होगा सो अगर स्मॉल R1 स्मॉल R2 हो सुन रहे हैं आप मेरी बात स्मॉल R1 और स्मॉल R2 R1 छोटा होने का मतलब क्या होना चाहिए R1 छोटा होने का मतलब कि कुछ इस तरीके से होना चाहिए तो यहीं कहीं सेंटर पास में होगा R1 छोटा होगा यानी कि ऐसे कहीं पे तो R1 और R2 क्या हो जाएगा पास पास हो जाएंगे तो R1 और R2 अगर छोटा होगा उस केस में तो उसका पावर क्या हो जाएगा यानी कि दिस विल बी मोर और अगर उसको आपने एयर में रख दिया तो उसका पावर बड़ा हो जाएगा सो ये चीज समझाने के लिए थी मैंने अभी बताया और भी बहुत सारी चीजें अभी बतानी है सो नाउ द आइडिया इज कि ये पावर ऑफ अ लेंस का बेसिक फॉर्मूला है और इसको डायोप्टर कहते हैं दिस यू हैव अंडरस्टूड एंड अब मैं थोड़ा और आपको आगे लेके चलता हूँ और मैं उम्मीद करूंगा कि और नए कॉन्सेप्ट आप अच्छे से सीख पाएंगे सो नाउ वी आर गोइंग फॉर अनदर पेज एंड लेट्स सी हियर नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग लाइक थिन लेंस के बारे में बात करेंगे थिन लेंस एंड थिक लेंस की बात करें थिन लेंस एंड थिक लेंस की बात करें तो अगर आप थिन लेंस की बात करेंगे तो वी आर सेइंग दैट आई होप लुक एट दिस वी आर टॉकिंग अबाउट थिन लेंस लेट्स सपोज दिस इज अ थिन लेंस हियर एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ थिक लेंस समथिंग लाइक दिस अभी ऑब्वियसली थिक लेंस हो गए अभी ये थिन लेंस है ये थिक लेंस है तो थिन लेंस में जैसे कि हम लोगों ने वो लेंस मेकअप फॉर्मूला डिराइव किया था तो आपने नोटिस किया था ना भाई कि
हमने C1, C2 जो बड़ा वाला डेरिवेशन आपको दिखाया था मैंने, वही C1, C2 को हमने C से कॉन्साइड करा दिया, ऐसा कुछ किया था। अब दैट्स व्हाट वी हैड डन, भाई थिन लेंस है, ये थिक लेंस है। अब अगर यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मटेरियल मीडियम का थिन लेंस होने का मतलब कि दिस थिकनेस इज वेरी वेरी स्मॉल, मतलब आर वन आर टू के रिस्पेक्ट में। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम सीधा सीधा 1/F = 1/V - 1/U का फॉर्मूला लगा देंगे, और 1/F हमारे पास क्या होगा, 1μ2 - 1 1/R1 - 1/R2, ऐसे करके सॉल्व करेंगे। That's what we'll be doing it. So thin lens होने का मतलब कि this thickness is, यानी कि ये जो है हमारा, this is very small. Very is very small. इसके केस में, मतलब इनके R1 और R2 के केस में, that's what the meaning is. तो हम ये formula carry कर सकते हैं, we can carry this formula. अब अगर thick lens की बात करेंगे, कुछ इस तरीके से हो, तो अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप कैसे सॉल्व करो, तो याद करो ये लेक्चर नंबर 9 है, तो लेक्चर 7 का जो लास्ट क्वेश्चन था रिफ्रैक्शन ऑन डबल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का, जो क्वेश्चंस किया था हमने, भाई पहला रिफ्रैक्शन लिया यहाँ से, फिर यहाँ से दूसरा रिफ्रैक्शन लिया, फिर जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना था करेंगे। भाई अगर हम इसके लिए करें, इस सरफेस की बात करें, इस सरफेस पे बात करें, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ओके विल से दैट सपोज करो ये म्यू वन है, ये म्यू टू है, और ये म्यू वन है, समथिंग लाइक दिस। सो म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन दिस आर वन इसका, और इज इक्वल टू व्हाट, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू। वी का मतलब हमने वी डैश लिख दिया, सपोज करो भाई यहाँ से जो डिस्टेंस हो गया वी डैश हो गया। और अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन पढ़ने जाओगे तो भाई यहाँ से वो वी डैश है ना, तो यहाँ से वो कितना दूरी पे है, तो अगर ये थिकनेस अगर टी है, फिर इसके लिए करने जाओगे और म्यू टू से म्यू वन में जा रही है अब लाइक, सो विल बी सेइंग म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर टू, एंड नाउ यू विल हैव टू राइट दिस म्यू वन, और फिर वी लिखना पड़ेगा, और फिर आपको म्यू टू, और यहां से वो वी डैश था, तो यहां से कितना होगा, सो विल बी राइटिंग वी डैश माइनस थिकनेस टी, भाई जो इसका थिकनेस होगा उसको माइनस कर दो। दिस इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, इसी चीज को हमने वहां पे पढ़ा था, हमने ऐसे किया था कि जो यहाँ से डिस्टेंस आया था उसमें से ये डिस्टेंस माइनस कर दिया था, फिर यहाँ से वो डिस्टेंस निकाला था और वो हमने किया था। तो ये इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, और फिर यू वी जब चला है, यानी कि अब ये फॉर्मूला तो हमने थिन लेंस के लिए डिराइव किया, दिस वी हैव डिराइव्ड फॉर थिन लेंस, माइंड यू डियर, दिस वी हैव डिराइव्ड फॉर, ये वाला फॉर्मूला हमने थिन लेंस के लिए डिराइव किया, ये लेंस मेकअप, ये लेंस फॉर्मूला दैट इज वैलिड। So, जब आप यहां से u और v निकाल लेंगे तो फिर 1/V - 1/U = 1/F करके इसका फोकल लेंथ निकालेंगे। ठीक है जी, आप डायरेक्ट ये नहीं कि आप अगर ऐसा लेंस है, थिक लेंस है और ये थिकनेस है, तो आप इसके फोकल लेंथ के लिए 1/F = 1μ2 - 1 और 1/R1 - 1/R2, इन दिस केस दिस इज नॉट करेक्ट, इस केस में आप गलती से भी इसको अप्लाई मत कर लेना, तो ये चीज के लिए सही है। अगर उसी तरीके से कॉनकेव के लिए भी अगर हम बात करें, पता नहीं क्यों राइट, सो अगर कॉनकेव की भी बात करेंगे तो दैट्स व्हाट आई मीन टू से दैट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ कॉनकेव लेंस राइट, अगर आप कॉनकेव समझ गए होगा भाई, दिस कैन नॉट गो, आप इस केस में ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, यू कांट अप्लाई दिस। सो ये थिन लेंस वाली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है, ये नहीं कि आंख मूंद करके आपने कोई फॉर्मूला लगा लिया, थिन लेंस एंड थिक लेंस का ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। अब आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, लुक एट दिस हियर, अगर थिन लेंसेस कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस की बात करें, सो लेट सपोज थिन लेंसेस आर इन कॉम्बिनेशन, सो लेट सी, ये आपने एक लेंस लिया, थिन लेंस है बहुत छोटा सा, आपने ये थिन लेंस है, ठीक है बच्चा, और फिर इसके साथ एक और थिन लेंस आपने ले लिया,
एक और थिन लेंस ले लिया भाई, अलग अलग R1 R2 ऐसे उठा के अगर आपने कंबाइन कंबाइन कर दिए, बिल्कुल इन कॉन्टेक्ट में. एंड नाउ वी आर सेइंग कि ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है इन दोनों का, दिस थिन लेंसेस आर इन कॉन्टेक्ट. सो वी आर डूइंग व्हाट, थिन लेंसेस आर इन कॉन्टेक्ट, थिन लेंसेस आर इन कॉन्टेक्ट. ये अब ये तीन लेंसेस इन कॉन्टेक्ट है, तो उस इस केस में हम लोग क्या करते हैं, वी सिंपली से दैट 1/f इज इक्वल टू 1/f1, 1/f2, अगर और भी होगा तो 1/f3, लाइक दिस. इस तरीके से पूरे सिस्टम का ये हमारा फोकस क्या हुआ, f इज इफेक्टिव फोकल लेंथ या इक्विवेलेंट फोकस, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ वैसे, यानी कि दो तीन होते तो वैसे कर लेते. पावर की बात करेंगे तो पावर इक्विवेलेंट क्या होगा, दैट इज पावर 1 पावर 2, बट ये आपको मालूम होना चाहिए कि दिस इज ऑल इन मीटर, ठीक है. और लीनियर मैग्निफिकेशन के नजरिए से देखें भाई, एक ने जो मैग्निफिकेशन किया फिर दूसरे ने जो मैग्निफिकेशन किया, सो इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेम, तो वो होता है M1 into M2 into M3. ये लेटरल मैग्निफिकेशन मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है उसका जो इमेज बनेगा, तो इसने जो मैग्नीफाई किया फिर उसने जो मैग्नीफाई किया जो उसने मैग्नीफाई किया, तो अगर एम इक्वल टोटल निकालना चाहोगे तो ऐसे निकाला जाता है. तो अगर थिन लेंसेस आर इन कॉन्टेक्ट देन वी फॉलो दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. गाइज ये बहुत अच्छे तरीके से इस बात को अपने दिमाग में हजम करना. अब ये रिजल्ट आपके सामने जब दिखा दिया तो यहीं पे कुछ और नए कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए आप, जरा देखिए ध्यान से. ये जो हमने पढ़ा ये थिन लेंसेस के लिए वैलिड है, दिस ओनली फॉर थिन लेंसेस. तो अगर अच्छा ये थिन लेंसेस इन कॉन्टेक्ट में, अगर ये थिन लेंसेस के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है फिर क्या रिजल्ट होता है, वैसे वो हमें पढ़ना नहीं है, वो उसका एक फॉर्मूला होता है और दैट फॉर्मूला कैन बी गिवन टू यू और आप राइट. मैं उसको अगले लेक्चर में शामिल करूंगा, अभी मैं आपको कुछ दूसरा पॉइंट समझाना चाहूंगा. नाउ दिस यू हैव सीन दैट कि 1/f इज दिस एंड दिस. अब जरा गौर से देखिए कि अगर आपसे ये कहा जाए कि ये एक लेंस है सर, दिस इज अ थिन लेंस, राइट, ये थिन लेंस है. अच्छा मैं इस बात पे थोड़ी देर बाद आता हूँ, मैं इसको अभी यहाँ कुछ आपको और बताना चाहता हूँ, समथिंग इम्पॉर्टेंट, फिर उस पर डिस्कस करना ज़्यादा अच्छा होगा. सो लेट मी सी, मैं यहाँ पे इसमें से इस आधे पार्ट को गायब कर लूँ, लाइक दिस. ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो डिस्कस होना था, छूटे नहीं इसलिए. तो लेट सी कि मैं यहाँ पे ये जो लेंस है अब आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, राइट, दिस ऑल आर, ये सब के सब जो मैं नोट करके आपको पढ़ा रहा हूँ ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे बेटा. तो अब आपको ये दिख रहा है कि ठीक है, ये एक सर ने प्लेन साइड रखा, दूसरा कॉन्वेक्स लगा, यानी कि प्लेनो कॉन्वेक्स हो गया. सो इफ आई से यू फाइंड इट्स फोकल लेंथ, अब क्या करोगे भाई, फोकल लेंथ क्या होगा, राइट, व्हाट विल बी दैट्स फोकल लेंथ. तो कोई बात नहीं, आप फॉर्मूला जो पढ़ाए हैं लाइक 1/f इज इक्वल टू 1μ2 - 1, करेक्ट. अब क्या लिखेंगे, 1/, सपोज करो रे डायग्राम आपने ऐसे डाल दिया, तो यू नो यहाँ पे एक रे डायग्राम ले आए, रिफ्लेक्शन होगा, बट ये नॉर्मल ये सर्फेस कैसे प्लेन है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इनफाइनाइट है. So in that situation 1/+R1 - 1/R2, R2 कितना रखिए, infinity रखिए. तो अब आपके पास ये result क्या हो गया, 1/f is equal to what, 1μ2 - 1/1/∞ 0 हो गया, upon R1 आ गया. Suppose ये R1 अब एक ही है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि अगर हम इसको ऐसे लिखें 1/f is equal to 1μ2 - 1/R, ये भी ठीक है. और f की बात करें तो R/(1μ2 - 1). सो ये दोनों रिजल्ट आपको अच्छे तरीके से पता होने चाहिए. सो ये हमने प्लेनो कॉन्वेक्स लिया है, इस तरीके से इसका फोकल लेंथ निकलेगा. तो ऑब्वियसली R पॉजिटिव, यानी कि ये प्लेनो कॉन्वेक्स है, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव ही आएगा.
अब अगर यहीं पे प्लेनो कॉनकेव होता, फॉर्मूला सेम होएगा बट साइन बदलेगा। भाई सपोज करो आपने एक ये लिया और इसके साथ आप एक आपने इसके साथ ये इसके इस पोर्शन को गायब कर दिया। नाउ हियर यू आर टेकिंग अ लाइन लाइक दिस, और अब आप कह रहे हो कि ठीक है जी यहाँ पे ये हमने प्लेनो कॉनकेव ले ली। अब इसका रिफ्रैक्ट इसका फोकल लेंथ आप निकालने जाओगे तो क्या करोगे, ये आर वन निगेटिव आएगा, फिर माइनस वन बाई इन्फिनिटी वो जीरो हो जाएगा। सो इसका भी एफ क्या क्या निकल गया भाई, दैट इज वन म्यू टू माइनस वन बाई ये वन बाई एफ की वैल्यू निकालोगे तो माइनस आर होगा। एफ इज इक्वल टू निकालोगे तो क्या लिखोगे, माइनस आर वन म्यू टू माइनस वन। सो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या देखा जाए, यानी कि एफ का मॉड अगर हम देखें तो क्या आया, आर अपॉन वन म्यू टू माइनस वन। ये आप एक बात बताइए कि आधा हो गया ये तो फोकल लेंथ बढ़ गया या घट गया, ये आपने ये प्लेनो अंडरस्टैंड दिस यू हैव स्टडीड फॉर प्लेनो कॉन्वेक्स, किसके लिए पढ़ा, प्लेनो प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए पढ़ा था, प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए पढ़ा, ठीक है जी। इट्स लाइक दिस आर वन म्यू टू माइनस वन, वन म्यू टू माइनस वन, ये रिजल्ट पढ़ लिया ना आपने। अब मैं आपको अगले पेज पे ये देखो क्या दिखा रहा हूँ। सपोज कर लो मैं आपसे कहूँ कि ये जो लेंस है हमारा, दिस लेंस इज ऑब्वियसली इसका आर वन और इसका आर टू दोनों क्या बराबर है, इक्वी कॉन्वेक्स है। ये क्या है, इक्वी कॉन्वेक्स है, या उसी तरह से इक्वी कॉनकेव होता। तो अगर आप इसको इक्वी कॉन्वेक्स मान रहे हैं, इफ यू आर यूजिंग इट एज अ इक्वी कॉन्वेक्स, राइट, लेट्स सी दिस इज नोट करके इक्वी कॉन्वेक्स की बात करें, इक्वी कॉन्वेक्स मतलब आर वन आर टू बराबर, दिस इंप्लाइज आर वन का मॉड इज इक्वल टू आर टू का मॉड इज इक्वल टू आर, अगर ऐसा है तब आपके पास ये क्या हो गया फॉर्मूला, आर वन आर टू इज इक्वल टू आर हो गया। सो वन बाई एफ इज इक्वल टू वन म्यू टू माइनस वन, और फिर वन बाई आर वन की जगह पे प्लस आर वन माइनस, और इसकी जगह पे माइनस आर टू की जगह पे, देखो जी ये गलती हो रही है ना मेरे से, सो दिस इज दिस और इट इज दिस, क्योंकि आपने दोनों आर सेम रखना है, ठीक है जी। दिस सो वन बाई एफ इज इक्वल टू नाउ वन म्यू टू माइनस वन, और ये क्या हो गया वन बाई आर माइनस माइनस प्लस, दैट इज टू बाई आर। तो बच्चा एफ इज इक्वल टू, अब यहाँ से क्या रिजल्ट आया, आर अपॉन ट्वाइस ऑफ वन म्यू टू माइनस वन, ये रिजल्ट आप देख लिए। उसी तरीके से यार कॉनकेव के लिए निकालोगे तो वो कैसा होगा, कॉनकेव के लिए निकालोगे, सिमिलरली लिख देते हैं, सिमिलरली अगर आप कॉनकेव के लिए इक्वी कॉनकेव के लिए इक्वी कॉनकेव की बात करें तो उसका एफ क्या लिखोगे आप, मॉड आई मीन अगर आप एफ इज इक्वल टू आप सिर्फ ये लिखोगे आर अपॉन ट्वाइस ऑफ वन म्यू टू माइनस वन, ये ऐसे लिख लिया, और फिर भाई ठीक है ये पहले एक फॉर्मूला के फॉर्म में लिख दिया और मॉड निकाले जाओगे तो दोनों केस में एफ का मॉड क्या हो गया, आर अपॉन ट्वाइस ऑफ वन म्यू टू माइनस वन। क्लियर हो गया ना पॉइंट, ये हमने चाह के आप इसका ध्यान रखें। अब मैं जो पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ ये जरा देखो ध्यान से, कि जब वो इक्वी कॉनवेक्स है या इक्वी कॉनकेव है तो देखो आर अपॉन ट्वाइस ऑफ वन म्यू टू माइनस वन है, नीचे टू है, और यहाँ देखो भाई यहाँ टू है क्या, नहीं, इसका मतलब प्लेनो कॉनकेव या प्लेनो कॉन्वेक्स का जो फोकल लेंथ है वो बड़ा आया किससे, इक्वी कॉन्वेक्स और इक्वी कॉनकेव कॉनकेव से। सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, नो राइट ओके, यानी कि दूसरे सरफेस ने अब इस बात को दिमाग ये मतलब इतना याद करने वाली चीज नहीं थी भाई, लेंस जितना ज्यादा रिफ्रैक्शन करता है उसका मतलब उसके पास उतना पावर है लाइट के पाथ को बेंड करने के लिए। आप मेरा ये लाइन बहुत ध्यान से सुना, सरफेस रिफ्रैक्शन हो रहा है, अनस्फेरिकल सरफेस है तो उसके पास लाइट को उसके पाथ से डिवेट करने की ताकत ज्यादा है, दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। तो अगर आप एक तरफ स्फेरिकल रख दिया दूसरे साइड प्लेन कर दिए तो उसका जो पावर है वो रिड्यूस हो गया आधे से, और अगर आप दूसरे साइड भी कर्व रख देते हो तो पावर डबल हो जाएगा। सो सी इस केस में
focal length आधा हो गया, power क्या हो गया, double हो गया. So here the power is twice of plano convex and concave. Power अगर power की बात करें तो, क्योंकि दूसरा है ही नहीं, ठीक है ना, मतलब प्लेनो के केस में दूसरा नहीं. यहाँ पे आप देख रहे हैं फोकल लेंथ उसका क्या है, बड़ा है, तो पावर उसका क्या है, छोटा है. सो दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज, आई होप यू गॉट माय पॉइंट. सो डबल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता तो कुल मिला के पावर बढ़ जाता, दो दो लोग मिलकर के लाइट के पाथ को डेविएट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं. दैट्स व्हाट द पॉइंट इज, आई होप यू गॉट दिस. नो अब फिर ये सब मैं आपको, मतलब क्वेश्चन जब आप करने जाएं तो रोए नहीं, मतलब आपसे क्वेश्चन हो जाए ये सारी बातें आपको समझा देंगे. ये नहीं कि आपको टीचर ने कुछ नहीं पढ़ाया, अगर से पढ़ाने लगा जाए तो उसमें पता नहीं कितने और भी, अभी तो और भी हैं ही, बट बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स निकल आते हैं क्वेश्चंस को ध्यान में रख के पढ़ाया जाए तो. ठीक है जी बच्चा लोग, अब मैं ये चाहूँगा कि ये सब तो आप समझ ही गए. अब आपने नोटिस किया कि इस वाले लेंस को, ये वाला लेंस जो प्लेनो कॉन्वेक्स है, राइट, इस प्लेनो कॉन्वेक्स को एक दूसरे प्लेनो कॉन्वेक्स से ज्वाइन कर दिया जाए. सुन रहे हैं ना आप मेरी बात, मैंने क्या बोला, ये चाहूंगा आप थोड़ा देखें इस बात को, समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं. आई एम सेइंग दैट, पहले मैं, ठीक है, और अब यहां पे मैं दो लाइनें ड्रॉ कर रहा हूं या एक लाइन ड्रॉ कर, ठीक है जी. अब आप मुझे बताइए कि मैं एक प्लेनो कॉन्वेक्स इधर से और एक प्लेनो कॉन्वेक्स इधर से ला करके ज्वाइन कर दिया, जब ज्वाइन कर देंगे, चूंकि ये मीडियम और ये मीडियम सेम है तो ये लाइन दिखनी बंद हो जाएगी यहाँ से. भाई ये लाइन दिखनी बंद हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल बंद हो जाएगी. ये लाइन यहाँ से हटा दिया और ये बंद दिखनी बंद हो जाएगी जब ज्वाइन कर देंगे तो. ये दोनों अलग अलग थे और ला के ज्वाइन कर दिया तो दिखनी बंद हो गई, तो क्या बन गया, यानी कि दो प्लेनो कॉन्वेक्स को ला करके ऐसे ज्वाइन कर दिया जाए, यानी कि प्लेन सरफेस को एक साथ. सो व्हाट डू यू फाइंड, इट हैज बिकम अ कॉन्वेक्स लेंस. आई होप यू गॉट माय पॉइंट. सो मजेदार बात क्या देखा आपने, आपने यहाँ तो ये पॉइंट सीख लिया ना कि फोकल लेंथ क्या हो गया. हियर यू हैव अंडरस्टूड कि फोकल लेंथ यहाँ पे बड़ा है और वहां फोकल लेंथ आधे से कम हो गया. दैट इज व्हाट वी नो. नाउ हियर आई वुड लाइक टू से दैट, जो इम्पोर्टेंट बात आपको समझाना चाह रहा हूँ, लेट सपोज इस वाले, इस ये वाला जो लेंस है, मैं इसको थोड़ा ये वाला जो लेंस है, ये लेंस जो है, और दूसरा जो मैं ये लेंस की बात करूँ, ये दो लेंस मान लिए, तो इन दोनों लेंसेज को मैंने जला के ज्वाइन किया, तो एक तरीके से ये थिन लेंसेज इस कॉम्बिनेशन का ही फॉर्मूला यूज हुआ है. गौर से देखो क्या, 1/f = 1/ इसका f बाई इस पूरे का जितना फोकल लेंथ है उसका, इस पूरे का जितना फोकल लेंथ है, इफ इट इज एफ, तो इस आधे का फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, 2f होना चाहिए. सो 1/2f और दिस इज 1/2f, अगर सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 2/2f एंड दैट कम्स आउट 1/f. आई होप यू गॉट माय पॉइंट. नो सो वी आर सेइंग दैट, क्या समझाना चाहा मैंने आपको, मैं इसी बात को अब उल्टे तरीके से बताऊं. ये मैंने आपको समझा दिया है, अब मैं ये कहूँ थोड़ा इस बात का प्रेजेंटेशन ऐसे रखूं, इस बात का प्रेजेंटेशन मैं ऐसे रखना चाहूंगा, अब मैं बदलूंगा इसी बात को बदलूंगा. कैसे बदल रहा हूं, देखो मैंने ये डायग्राम हटा दिया यहाँ से, ये यहाँ से हटा दिया, और अब हटा के कह रहा हूँ, हाँ जी बच्चे यहाँ पे एक लेंस है, मैं इस बात को अब दूसरे तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ एक लेंस है. अगर मैं इस लेंस को और इस लेंस का फोकल लेंथ, आई एम सेइंग नाउ इन अ डिफरेंट वे, ये लेंस है और इसका फोकल लेंथ एफ है. एंड नाउ व्हाट डू आई डू इज, मैं इस लेंस को दो पार्ट में ऐसे काट दे रहा हूं. तो जब इसको दो पार्ट में काट दूंगा तो जो ये पोर्शन हुआ इसको मैंने कहा 1 और ये वाला जो पोर्शन हुआ उसको कह दिया 2. ठीक है, और ऑब्वियसली अब अगर इसका फोकल लेंथ F1 है, इसका फोकल लेंथ F2 है, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो ये जो पार्ट निकल के आया उसका फोकल लेंथ, पूरे का फोकल लेंथ कितना था एफ, तो इस पार्ट का जो ये बाहर निकलेगा इसका फोकल लेंथ कितना होगा 2f. यानी कि एक लेंस को अगर आप पीछे बीच ऐसे काट के साइड कर दोगे तो फोकल लेंथ क्या हो गया, डबल हो गया. दैट्स व्हाट द मीनिंग इज. नो यस, तो ये ध्यान होना चाहिए व्हेन यू पार्ट लाइक दिस, सो दिस f1
एंड दिस एफ टू लाइक एफ वन और एफ टू की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 2f के बराबर होगी। तो अगर किसी लेंस को ऐसे काटा जाए तो जो दोनों पीसेस निकलते हैं बट वो बीच से काटा जाए, ये नहीं कि ये इसकी पोजिशन थोड़ी इधर शिफ्ट कर दिया और उसकी पोजिशन थोड़ी उधर शिफ्ट कर दिया। जरा ये बात पे सोच के देखते हैं, ये क्या कह दिया मैंने, इफ यू अगर आप इसको बीच से ना काट करके थोड़ा इधर शिफ्ट करो ऐसे या इधर, क्या फर्क पड़ा सर? आर वन आर टू तो सेम रहा, लाइक ये आर और ये आर सेम रहा, ये थिक थिन लेंसेस है, इसलिए इसको यहाँ रख के काटो या इसको यहाँ रख के काटो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये यही माना जाएगा। हाँ कि आपने यहाँ रखा और उसको ले जाके ऐसे जोड़ दिया, तो जब आप इसको ऐसे काटोगे इस तरीके से तो थोड़ा सा ऊपर का जो एजेस है थोड़ा वो कर्व आएगा, राइट, दैट मेक्स मामूली डिफरेंस, यानी कि इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। थिन के अंदर आप ऐसे काट करके जोड़ दो, इट इज द सेम थिंग व्हाट वी आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट। यानी कि अगर एक लेंस को, आई होप यू हैव अंडरस्टूड माई पॉइंट व्हाट आई सिंपली मीन टू से दैट। नाउ इफ समबडी से दैट कि सर अगर मैं एक लेंस लेता हूँ, जरा ये देखना ये मैं क्या बता रहा हूँ, सपोज कोई इस तरीके का लेंस है और इस लेंस को किसी ने ऐसे काट दिया, समथिंग लाइक दिस, ऐसे काट दिया, फिर एक ऐसे काट के वही ऐसे काट दिया और फिर ऐसे काट दिया, ठीक है जी। अब अगर आप इधर के कर्व सरफेस को आप इग्नोर कर दो तो ये तो क्या हुआ, एक स्लैब मिल गया, भाई ये 2f और ये 2f है, इनको आपस में जोड़ दिया ये वाला पॉइंट लेकर के। अगर आप ये नहीं, ये हटा भी देते हो तो इनको जोड़ दो तो भाई उस कर्व का रेडियस का नेचर नहीं बदलेगा ना, यानी ऐसे काट दो ऐसे कर दो, ये 2f और 2f ही होगा और इस अंदर वाले का क्या होगा, ये ग्लास स्लैब है उसका कोई फोकस नहीं होगा। तो ये आपसे सवाल थोड़ा घुमा के पूछा जा सकता है, मतलब मैं अभी ये पढ़ा रहा हूँ तो मेरे दिमाग में बात आई, इफ आई कट लाइक दिस और ये जो बीच वाला पार्ट है इसका फोकल लेंथ क्या होगा, एंड देयर इज समथिंग लाइक दिस, ऐसे कुछ, मतलब ये वाला पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है बेटा ये वाइट बना दिया, ऐसे इसको ऐसे दिखा दिया, ऐसे काट दिया जी, ठीक है। इसके पास तो कोई कर्व है ही नहीं, सो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और ये 2f होगा और ये 2f हो जाएगा, समझ गया ना, ये क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया। जब आप ऐसे काटते हैं तो ये 2f 2f हो जाता है। और अब दूसरी बात जो आपको बताई जा रही है कि अगर इसी लेंस को, इफ यू टेक दिस लेंस और इस लेंस को दूसरे पॉइंट में, हमें ये अलग नोट करके समझा रहा हूँ, अगर इसी लेंस को आप जैसे काट रहे थे वैसे नहीं काट करके ऐसे काट दो, इफ यू क्रॉस लाइक दिस ऐसे काट दो, इस तरीके से काट दिया आपने, तो अब आधा आधा बन गया जी। मीन्स व्हाट आई मीन टू से दैट, हमने ऐसे काट दिया, थोड़ा विचार करना मेरी बात पे, ऐसे काट दिया जी और काट के अलग कर दिया, ठीक है जी, ये था एक्चुअल और ये ऐसे काट दिया। अब ये और ये जो बचे, नाउ व्हाट इज दिस, इसका फोकल लेंथ क्या होगा और इसका फोकल लेंथ क्या होगा, पहले इस पूरे का फोकल लेंथ क्या है, पहले इस पूरे का फोकल लेंथ कितना है, एफ, मैं इसको इस कलर से दिखा रहा हूँ, पूरे का फोकल लेंथ मैं दिखा रहा हूँ कुछ इस कलर से, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये दिखाया एफ से, ऐसे इस पूरे का फोकल लेंथ कितना है, ये एफ है, और अब मैं कह रहा हूँ कि इसको ऐसे काट दिया तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, अभी भी एफ आएगा और इसका भी क्या आएगा, एफ है, इट इज लाइक दिस, व्हाई, बिकॉज ठीक, आई मीन आर वन और आर टू की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ, इस कर्व सर्फेस का और इस कर्व सर्फेस का, आर वन और आर टू क्या होगा, सेम होगा, और म्यू वन और म्यू टू की वैल्यू जो थी वो वही रहेगी। तो अगर इस पूरे का फोकल लेंथ एफ है तो ये ना आपको थोड़ा तंग करेगा, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से ये जो पार्ट है ये निकाल लेता हूँ, ये ऐसे निकाल लेता हूँ और यस मैं इसको अलग से ड्रॉ करूँ तो ठीक रहेगा, समथिंग लाइक दिस, ये ऐसे ठीक है ऐसे दिखा दिया और फिर इसको ऐसे बना के दिखाया, इफ आई ड्रॉ द सेम लेंस लाइक दिस, ठीक है ये, और अब इसको बीच से काट के अलग कर दिया, सो आई विल शो इट लाइक दिस ताकि बाद में आपको विजुअलाइजेशन में दिक्कत ना हो, वरना दिस कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। सो व्हाट आई मीन टू से इज, इफ दिस इज एफ तो ये भी क्या होगा, एफ, और ये भी क्या हो गया, एफ, यानी कि इसके फोकल लेंथ पे, यानी कि ऐसे काटने से फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो वी हैव डन दिस पॉइंट वेरी नाइसली।
I hope you guys are understanding these points very, very nicely. So, we have done these many concepts today. And what I believe is, ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा अगर और ज्यादा इसमें रिकॉर्डिंग हुआ तो. मैं ये कहूँगा आपको कि हम अब इससे आगे का टॉपिक जो होगा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए आगे और भी कंटेंट्स हैं विच विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो राइट नाउ जो मैंने यहाँ बात कही कि अगर इसको काट के अलग अलग कर दिया तो ये हो गया. यहाँ तक बात आप समझ गए हैं. इसमें कुछ बात और यहीं पे ये बता देना ठीक होगा. एक मिनट, कुछ इंफॉर्मेशन और यहाँ पे ऐड कर देते हैं ताकि आपको. लेट्स सी हियर व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से ये लेंस है, ठीक है, और इस लेंस का हम ये वाला पोर्शन जो है लाइक इससे ऊपर का पोर्शन, ठीक है, या ये पोर्शन है, ठीक है, ये तीन पार्ट हमने ले लिए. लेट सपोज आई से दिस इज म्यू वन, इधर म्यू वन है बेटा, दिस इज म्यू वन, दिस इज म्यू टू, म्यू वन, और यहाँ पे म्यू टू हो, यहाँ म्यू थ्री हो या म्यू फोर हो, और आपने एक बीचों बीच एक लाइन ऐसे खींच ली, समथिंग लाइक दिस. अब ऐसे केस में अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए यहाँ पे, कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, सो दिस विल नॉट हैव वन फोकस. इसका फोकस कुछ और होगा इस वाले पोर्शन का, इसका फोकस कुछ और हो जाएगा, इसका फोकस कुछ और हो जाएगा. सो इफ यू विल हैव वन ऑब्जेक्ट हियर, इस ऑब्जेक्ट के कितने इमेजेस बनेंगे? तीन इमेजेस बनेंगे, बिकॉज इस पोर्शन के लिए एक अलग फोकस है, इसका अलग फोकस है, इसका अलग फोकस है, सो दिस विल हैव थ्री इमेजेस. सो थ्री डिफरेंट फोकस हो गए. समझ गए मेरी बात? तो मतलब थ्री डिफरेंट फोकस हो जाएगा एंड थ्री डिफरेंट इमेजेस, थ्री डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस, राइट. अब कुछ उसी तरीके से ये ऐसे सिचुएशन होगा. अगर इसी को ऐसे दिखाया जाए, लेट सपोज मतलब सपोज कुछ इस तरीके से है, और अब आप कहें कि यहाँ पे मैं एक अलग मीडियम रख दूं, लेट्स टॉक अबाउट कि इस बीच में इस पार्टीशन के अंदर आप एक अलग मीडियम रख दें, यू प्लेस अनदर मीडियम एंड रेस्ट ऑफ द मीडियम कुछ और रख लें. तो अगर आप कहते हैं कि यहाँ मैंने मीडियम कुछ और रखा है, ये अलग मीडियम है और यहाँ पे मीडियम कुछ और है, सो जो रे यहाँ से गुजर रही है, जो भी लाइट रे, आप एक एक्सिस ले लीजिए, कुछ इस तरीके से एक्सिस ले लीजिए, और अगर आप कहेंगे कि देखो जी यहाँ से कोई लाइट रे ऐसे गई, तो इस लाइट रे को इससे और इससे दोनों तरफ से गुजर के आएगा, तो दिस विल हैव वन फोकस. सो भले यहाँ पे मीडियम कुछ और है, यहाँ कुछ और है, सो दिस विल हैव वन फोकस. This setup will have one focus, one image, and one. बेटा बात समझ गया? So this is what the point is. बड़े सारे और भी concepts हैं which we'll be discussing in the next lecture, and मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये सब कुछ अच्छे से समझ रहे होंगे. Revise करिएगा और questions करिएगा. So thank you very much for watching this lecture. God bless you. Keep watching, keep sharing, keep promoting, and keep commenting, keep liking. Bye-bye.